कल जो हम लोग काम कर रहे थे यहाँ पे, हमने व्यूज़ वाले में देखो ये हमने यहाँ पे चेंजेस करे थे, व्यूज़ में हमने यहाँ पे ये सब डाले थे है ना, व्यूज़ के अंदर हमने यहाँ पे ये सब डाले थे। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ये जो हमारा व्यूज़ था इसको हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में यहाँ पे कॉल करवाया था फॉर लूप लगा के, है ना। ये डेस्टिनेशन में हमने यहाँ पे देखो ये हमारा फॉर लूप लगा के हमने कॉल करा था फॉर डेस्टिन डेस्ट वन, और ये सब जो वैल्यू है भाई हमें क्या दिखाना है वो डेस्टिनेशन इमेज दिखानी है, और यहाँ पे स्पेशल ऑफर वगैरह दिखाने थे ये दिखाने थे, और यहाँ पर हमने एंड फोर किया था, और यहाँ पे एंड फोर किया था तो ये हमारा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखा देंगे जो वैल्यूज़ वगैरह हमने वहाँ पे डाला था। और इसको जब हमने कॉल करा था तो कॉल करते वक्त हमने यहाँ पे क्या दिया था व्यूज में, हमने यहाँ पे क्या पास करा था, इस तरह से पूरा का पूरा हमने ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पास किए थे है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमने पास किया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये यूआरएल में, ये अपना यूआरएल में उसको कॉल कर ही रहा है, और ये इस तरीके से हमने कल यहाँ पे काम किया था। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कल जहाँ तक हमने कर लिया था, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अब हम लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे ओआरएम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अभी देखो अभी क्या है कि जो भी वैल्यूज आप यहाँ पे दे रहे हो वो वैल्यू तुमने डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया है ना, ये वैल्यूज आपने यहाँ पे दे दिया है जो भी वैल्यू आप यहाँ पे दे रहे हो ठीक, तो यहाँ पे देना तो सॉल्यूशन नहीं है ना, ये तो एक तरह से तो स्टैटिक वैल्यू ही तो ही ठीक है भाई, यहाँ से तुम वहाँ पर इसके लिए डायनामिक हो गया, लेकिन मोरलेस हमारे लिए यूजर के लिए तो अपने आप में एक ये स्टैटिक वैल्यू ही तो हुई। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे करना ये है कि भाई जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं वो ओ आर एम के थ्रू जो है टेबल में जाना चाहिए, टेबल में हम एंट्री करें, तो मतलब अब हम टेबल को इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपने पूरे प्रोग्राम्स के अंदर ठीक है। तो टेबल को इन्वॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें यहाँ पे कहाँ जाना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे मॉडल पे जाना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे कहाँ जाना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे मॉडल पे जाना है। तो हम यहाँ पे मॉडल में आते हैं, और ये हमारा यहाँ पे मॉडल डॉट पाई है, और मॉडल डॉट पाई के अंदर हमें यहाँ पे चेंजेस करने हैं ना। तो हम यहाँ पे बताया थे कि भाई मॉडल जब पाई जब भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो जो भी हमारा क्लास होगा उस क्लास को आपको इनहेरिट करना होगा, क्लास को कहाँ से इनहेरिट करना होगा, तो हम यहाँ पे क्लास ये जो हमारा डेस्टिनेशन है इसको हम इनहेरिट करते हैं, और कहाँ से इनहेरिट करते हैं तो हम यहाँ पे मॉडल्स के अंदर से इनहेरिट करते हैं मॉडल डॉट, और जो हमारे क्लास का नाम है वो क्या है, ये हमारा मॉडल है, तो हम यहाँ बोलते हैं मॉडल डॉट मॉडल ठीक, मॉडल डॉट मॉडल ठीक। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे आईडी देने की जरूरत नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ कल इसी टाइम में वीडियो गया था हमारा, लाइन गई थी, लाइट गई थी, सब गई था। ये देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे डालना है जी नेम, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ नेम इज इक्वल टू, और नेम में हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे मॉडल डॉट, अब नेम में क्या चाहते हो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ले लेंगे मॉडल डॉट, और मॉडल डॉट हम यहाँ पे ले लेंगे कैड फील्ड, कैरेक्टर फील्ड लेना है मुझे, और इसका हम लेंथ ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं मैक्स अंडरस्कोर लेंथ इज इक्वल टू, तो मैक्स लेंथ मान लीजिए मैं देता हूँ 100। तो ये जो अभी हम लगा रहे हैं ना यहाँ पे इस तरह से कि नेम इज इक्वल टू मॉडल डॉट कैर फील्ड, इसको हम बोलते हैं जैंगो मॉडल फील्ड। यदि तुम गूगल में आओगे यहाँ पे और गूगल में सर्च करोगे जैंगो मॉडल फील्ड, अरे यहाँ पे गूगल में तुम सर्च करोगे जैंगो मॉडल फील्ड, तो यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी खासी लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट दे देगा कि कौन से मॉडल के लिए क्या है, यानी कि यदि आपको स्ट्रिंग लेना है, ये देखो यहाँ पे सबके लिए है ना, यहाँ पे यदि आपको स्ट्रिंग लेना है तो क्या है, चॉइस लेनी है तो क्या है ठीक है, फील्ड टाइप ये देखो ये हमारा कैर फील्ड है, तो ये हमारा कैर फील्ड का प्रॉपर्टीज है क्लास कैर फील्ड, तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग यहाँ पे कैर फील्ड यूज़ करते हैं जब कभी भी टेक्स्ट बॉक्स वगैरह हमें देना है, तो यहाँ पे हमारे अलग अलग मॉडल फील्ड हैं जिसको लेके हम लोग काम करते हैं। ये देखो यहाँ पे डेट फील्ड है, डेट के लिए लेना है ठीक, इसी तरह से यहाँ पे ये अलग अलग फील्ड है, जैसे हमें ईमेल लेना है या फाइल लेना है या फाइल अपलोड करना है या इमेज फील्ड लेनी है, तो इसके लिए सबके लिए यहाँ पे स्लग फील्ड लेना है, तो सबके लिए यहाँ पे अलग अलग ये बना हुआ है ना, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट। तो हमने यहाँ पे डाला था जैंगो मॉडल फील्ड, तो जब तुम जैंगो मॉडल फील्ड यहाँ पे डाल दोगे तो वो वहाँ पे दिखा देगा कि भाई कौन कौन से हमारे मॉडल हैं जो यहाँ पे हमारे काम कर रहे हैं ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैंगो मॉडल फील्ड ये हमने कैरेक्टर फील्ड ले लिया नेम, नेम के बाद हमें यहाँ पे क्या लेना था, नेम के बाद हमें यहाँ पे इमेज लेनी थी, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ आई एम जी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलता हूँ आई एम जी इज इक्वल टू, और जो भी हमारा इमेज यहाँ पे लेना है आई एम जी इज इक्वल टू, और इमेज में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे मॉडल डॉट, मॉडल डॉट
अब इमेज तुम कहाँ से लेना चाहोगे, तो इमेज के लिए हम यहाँ पे इमेज फील्ड ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे बोलते हैं इमेज फील्ड मॉडल डॉट, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ इमेज फील्ड, यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। और यहाँ पे मैं देता हूँ कि भाई वो जो हमारा इमेज है वो हमारा अपलोड होके जाएगा कहाँ, तो हम यहाँ पे बोलते हैं अपलोडेड टू, अपलोडेड टू। और मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ पिक, पिक्चर करके एक फोटो बना देता हूँ, मैं वहाँ पे डाल दूंगा पिक के अंदर मैं, ठीक। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया img मॉडल डॉट इमेज फील्ड अपलोड टू, और यहाँ पे पिक के अंदर वो चला जाएगा। अब हम यहाँ बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या बोलोगे मॉडल डॉट, और जो भी हम यहाँ पे लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, हम यहाँ पे लेना है टेक्स्ट फील्ड। और चलो अभी मैं टेक्स्ट फील्ड में कुछ नहीं दे रहा हूँ, जरा आप देखेंगे क्या हो रहा है। अब मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ प्राइस, अब मैं यहाँ पे देता हूँ प्राइस इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्राइस इज इक्वल टू। अब प्राइस में आपको क्या लेना है, तो अगेन मैं यहाँ पे बोलता हूँ मॉडल डॉट। और अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंटीजर फील्ड मॉडल डॉट, अब मैं बोलता हूँ इंटीजर फील्ड मॉडल डॉट इंटीजर फील्ड, ठीक। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ ऑफर, और ऑफर में मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, अगेन मैं यहाँ बोलता हूँ मॉडल डॉट, और मुझे वहाँ पे क्या लेना था, मुझे यहाँ पे बुलियन लेना था, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ बुलियन फील्ड। और बुलियन फील्ड के अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ डिफॉल्ट वैल्यूज, मैं यहाँ पे बोलता हूँ डिफॉल्ट इज इक्वल टू, तो डिफॉल्ट इज इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, मैं रख देता हूँ फॉल्स, ठीक। तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट में कर दिया फॉल्स। तो सर जी मेरा ये क्लास बन गया, और ये जो हमारा यहाँ पे क्लास बना है, इस क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें डाल दी, मैंने नेम डाल दिया, इमेज डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, और मैंने यहाँ पे प्राइस भी डाल दिया, ऑफर भी डाल दिया। तो ये हमारा क्लास मोरलेस यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमने क्लास बनाया है, इस क्लास को हमें भाई इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें टेबल बनना चाहिए, तभी तो हमारा काम होगा, है ना। तो टेबल बनाने के लिए फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारा टेबल बनना चाहिए। तो जब कभी भी हमें यहाँ पे टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। आप ज़रा गौर से देखना, यहाँ पे हमारा ये जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन में भी कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक पड़ा हुआ है, क्योंकि एक बार भी अभी हमने माइग्रेट नहीं करा है, एक बार भी डेटा को डेटाबेस में डाला नहीं है मैंने। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ पाइथन, और मुझे क्या करना है, चूंकि ये ORM को सपोर्ट करता है ना, ORM का मतलब क्या, क्लास के अंदर जो चीज़ है उसको लेके वो टेबल बना देगा, इसका मतलब डेस्टिनेशन करके एक टेबल बन जाएगी, और डेस्टिनेशन टेबल्स के अंदर में ये सारे हमारे फील्ड आ जाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ python manage.py, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ make migrations। अब जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ make migrations, तो अभी मैं यहाँ पे एंटर कर दूँ, अब ये देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम दे रहा है, ये प्रॉब्लम क्या दे रहा है, ये प्रॉब्लम बोल रहा है कि भाई तुम मेक माइग्रेशन तो कर रहे हो, लेकिन भाई तुमने वहाँ पे इंस्टॉल्ड एप्स में उसका नाम ही नहीं डाला अपने एप्स का, तो मुझे अब एक यहाँ पे चेंज और करना पड़ेगा मेक माइग्रेशन से पहले। ये देखो एरर आ रही है ना कि इंस्टॉल्ड एप्स में आपने उसका नाम नहीं डाला, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल्ड एप्स के अंदर इसका नाम डालना पड़ेगा। तो जो हमारा इंस्टॉल्ड एप्स है वो कहाँ पे होगा, सेटिंग्स के अंदर होगा, ये हमारा सेटिंग है, और सेटिंग में जब तुम यहाँ पे जाओगे तो ये देखो हमारे इंस्टॉल्ड एप्स हैं, इंस्टॉल्ड एप्स के अंदर मुझे इसका नाम डालना पड़ेगा जो हमारे एप्लीकेशन का नाम है। तो जो हमारा जो एप्लीकेशन था उसका नाम जो आपने बनाया था वो क्या बनाया था, ये देखो हमने यहाँ पे टूर बनाया था, है ना, और ये जो हमारा टूर है, टूर के अंदर ये देखो ये हमारा apps.py फाइल है, यानी कि हमारा ये जो हमारा फाइल है इसका नाम क्या है हमारे यहाँ पे, तो ये मुझे यहाँ पे इसकी, ये देखो ये यहाँ पे हमारा ये एप्स का फाइल है यहाँ पे, ये जो हमने टूर बनाया था, कौन आया, चलो। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, ये जो हमारा ये जो टूर वाला इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ पे डालना पड़ेगा इसके कॉन्फ़िग को, तभी वो हमारा वहाँ पे काम करेगा, ठीक है ना।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो टूर कॉन्फ़िग फाइल है इसकी एंट्री मुझे वहाँ पे करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर आता हूँ, यानी कि जो तुम्हारा ऐप्स है उसकी एंट्री तुम यहाँ पे करो। तो सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पाई में लिखता हूँ इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर जो हमारा ये है, इसका नाम क्या है, टूर है, तो मैं यहाँ बोलता हूँ टूर टूर, और टूर के अंदर हमारा ऐप्स है, और जो हमारा ऐप्स के अंदर कॉन्फ़िग फाइल था, कॉन्फ़िग फाइल का नाम क्या है, तो जो हमारा कॉन्फ़िग फाइल था उसका नाम ये था टूर कॉन्फ़िग, यही था ना यहाँ पे, देखो ये ऐप्स के अंदर इसका नाम क्या था, टूर कॉन्फ़िग था ना, यहाँ पे ऐप्स का नाम क्या था, टूर था ना। तो ये जो ऐप्स का नाम होता है टूर कॉन्फ़िग और ये टूर, ये इसकी एंट्री करनी पड़ती है मुझे सेटिंग्स डॉट पाई में। तो सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर हमने यहाँ पे ये एंट्री कर दी, सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर हमने यहाँ पे ये एंट्री कर दिया, सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर हमने यहाँ पे ये एंट्री कर दिया। तो पहला काम हमें क्या करना था, पहला काम हमें यहाँ पे मॉडल बनाना था। चलो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं उस नोट्स को। पहला काम हमें यहाँ पे क्या करना था, मुझे यहाँ पे मॉडल क्रिएट करनी थी, और आज सेव भी करता जाऊँगा भाई, कल सेव नहीं करा था। मॉडल क्रिएट करनी पड़ेगी और मॉडल के अंदर हमें ये सब डालना पड़ेगा। तो ये काम आपने पहला करा, मॉडल डाल दिया। मॉडल डालने के बाद अब आप यहाँ पे दूसरा काम कर रहे हो, दूसरा काम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर तुमने यहाँ पे इंस्टॉल एप्स में ये डाल दिया, सेटिंग्स डॉट पाई में यहाँ पे आपने इंस्टॉल एप्स में अपना ये डाल दिया, ये डाल दिया। अब ये कहाँ से आया हमारा, ये सब तो आ ही रहा था, तो ये सब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे जो आपने करा है ये वाला डेटा टू डॉट एप डॉट टूर कॉन्फिग, ये कहाँ से आएगा, तो याद रखना ये जो हमारा एप्स होता है ना, हो सकता है कि तुम्हारे में कुछ और हो, जरूरी नहीं। अब जैसे मान लो आपने ट्रेवल के नाम से बनाया तो आपका ट्रेवल होगा, आपने टूर एंड ट्रेवल के नाम से बनाया तो आपका टूर एंड ट्रेवल होगा, तो ये नाम अलग होगा। ये चेक कैसे करोगे, ये देखो ये टूर के अंदर ये हमारा एप्स डॉट पाई है, ये देखो इसका नाम क्या है आपके एप्स का, टूर है, और जो कॉन्फिग फाइल टूर का टी कैपिटल है, देखो जैसा नाम तुम ये दोगे यहाँ पे वही नाम आएगा यहाँ पे। और ये टूर कॉन्फिग है, टूर कॉन्फिग देखो ये अपर केस में है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर आप वही दोगे टू डॉट एप्स और वहाँ पे टू डॉट कॉन्फिग। अब हमने यहाँ पे ये डाल दिया। चलो जी अब ये डालने के बाद हम यहाँ पे हम एक माइग्रेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है जी भाई यहाँ पे कुछ और दिक्कत आ रही है कि अब यहाँ पे हम इमेज फील्ड यूज़ करना चाह रहे हैं। इमेज फील्ड को यूज़ करने के लिए उसे क्या चाहिए होता है, पिल्लो चाहिए होता है, तकिया चाहिए भाई, तभी वो इमेज फील्ड लेगा। तो ये जो पिल्लो होता है ना, पिल्लो आपको रन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पिल्लो को रन करने के लिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं पिप इंस्टॉल पिल्लो, तो हमारी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर वो पिल्लो को भी इंस्टॉल कर देगा। तो ये जो हमारा पिल्लो है ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। अरे ये पिल्लो नहीं डालोगे तो इमेज फील्ड यूज़ नहीं कर पाओगे। इमेज फील्ड लेने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम वहाँ पर पिल्लो इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो भाई यदि कभी भी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आए तो इमीडिएट वो चला दो, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो चुका। अब मैं यहाँ पर करता हूँ मेक माइग्रेशन, मैं यहाँ पे बोलता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पाई। अब जरा गौर से देखो, यहाँ पे एक क्लास बन गया, यहाँ पे ये बन गया क्रिएट मॉडल डेस्टिनेशन। अब जरा यहाँ पे आप गौर से देखना इस माइग्रेशन के अंदर में, ये देखो 001 अंडरस्कोर इनिशियल डॉट पाई करके ये फाइल बन गई, और ये फाइल जो है माइग्रेट करने के बाद ये फाइल बना है। तो इस फाइल में देखो ये अपने हिसाब से उसको अरेंज करता है, ये देखो ये हमारा माइग्रेशन फाइल है, माइग्रेशन फाइल के अंदर ये देखो ये सारे फील्ड्स वगैरह हैं, आईडी है, नेम है, इमेज है, डिस्क्रिप्शन है, ऑफर है, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पे निकल के आ गई हमारे पास, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई, आ गई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे मेक माइग्रेशन चलाना है, हमें यहाँ पे मेक माइग्रेशन चलाना है ये। तो मेक माइग्रेशन आप यहाँ पे ये चलाओगे, और इसको चलाने से पहले वो पिल्लो के लिए तो बोलेगा, पिल्लो को इंस्टॉल कर दीजिएगा। तो अब हमें तीसरा काम यहाँ पे क्या करना है, तीसरा काम करना है टर्मिनल पे आना है, और टर्मिनल पे आने के बाद हमें ये चलानी है, और हो सकता है कि बीच में वो प्रॉब्लम दे, तो ये जो हमारा पिप इंस्टॉल वाला था, वो जो राम कहानी हमने लिखी थी पिप इंस्टॉल पिल्लो, ये भी डाल दीजिएगा क्योंकि इमेज के लिए इसमें दिक्कत आएगी। तो हम यहाँ पे ये पहले यही डाल देंगे, चाहे ये डालेंगे तो एरर आएगी, तो वो भी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन कर दिया। अब मेक माइग्रेशन करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमने यहाँ पे टेबल बनाई थी, ये हमारा ये टूर का सारा कुछ बन गया, यहाँ पे ये रेडी है। मतलब अब हमें क्या करना है, इसको उठा के मुझे यहाँ पे टेबल में डालना है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि भाई मुझे इससे टेबल जनरेट करनी है, मतलब इसका ये तो अभी
क्लास बना है इसका, ये जो हमारा है इसके कोवेलेंट, ये इसने अपने हिसाब से क्लास बनाया है। अब मुझे इसका जो है सिक्वल कमांड जनरेट करना है, तो सिक्वल कमांड जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं पाइथन मैने डॉट पाई, पाइथन मैने डॉट पाई। अब मैं यहाँ बोलता हूँ सिक्वल माइग्रेट, मैं यहाँ पर बोलता हूँ सिक्वल माइग्रेट, और ये जो आपका वेबसाइट था उसका नाम क्या था यहाँ पे, तो हमारा ये टूर था, तो हम यहाँ पे बोलते हैं टूर, और जो इसका नाम है क्या नाम है, 0001 है ना, 0001, तो मैं यहाँ बोलता हूँ 0001, ये जो हमारा नाम था ये नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखो अब ये इसने टेबल बना दिया, जरा गौर से देखो ये इसकी टेबल आ रही है, क्रिएट टेबल टू डेस्टिनेशन, एक मिनट तुमको भेज लेके देता हूं, तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है तो मैंने यहां पे बोल दिया क्रिएट टेबल, और ये जो रामा टू डेस्टिनेशन, जरा गौर से देखो इसने आपके जो डेस्टिनेशन टेबल थे क्रिएट कर दिया इसने, ये देखो ये हमारे यहां पे इसने टेबल बना दिया क्रिएट टेबल डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे क्रिएट टेबल टू डेस्टिनेशन देखो खुद ब खुद वहाँ पे आईडी ले लिया, नेम ले लिया, वेर कैर या आईएमजी ले लिया, डिस्क्रिप्शन ले लिया, ऑफर ले लिया, ये और खुद ब खुद इसने सारा काम कर दिया। ठीक है तो इसने यहाँ पे टेबल बना दिया, लेकिन याद रखना अभी ये जो कमांड है ये तो अभी हमने सिर्फ देखा है यहाँ पे, अभी ये कमांड जो है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इसको हमें फाइनली एग्जीक्यूट करना होगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे पाइथन, पाइथन हम यहाँ पे बोलेंगे पाइथन मैनेज डॉट पाई। अब हम यहाँ पे कर देंगे माइग्रेट, अब जैसे हम माइग्रेट करेंगे ना तो ये सारा जो टेबल तुमने बनाया है ये सब क्रिएट वेट करके दे देगा। ये देखो सारी जितनी भी टेबल्स होती हैं और भी इसकी अपनी टेबल्स होती हैं, उन सारे टेबल को चूंकि फर्स्ट टाइम हम माइग्रेट कर रहे हैं, तो जो भी हमने माइग्रेट वगैरह करा तो जो भी हमारे टेबल्स वगैरह हैं, टूर की जो इनिशियल चीज़ें हैं, ये जो टेबल है सब यहाँ पे, ये टेबल वगैरह हमारा बन चुका। ठीक है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे माइग्रेट करते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे माइग्रेशन चलाया है, ये माइग्रेशन हमने यहाँ पे चलाया है इसके लिए, ये माइग्रेशन हमने कहाँ पे चलाया है, ये माइग्रेशन हमने चलाया है, ये जा रहा है हमारा बाय डिफॉल्ट कहाँ जा रहा है, ये सिक्वलाइट के अंदर जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये जो सिक्वलाइट है ये सिक्वलाइट को भी चेंज करना है, मुझे जो है यहाँ पे ये जो सिक्वलाइट है ये सिक्वलाइट को भी चेंज करना है, मुझे यहाँ पे सिक्वलाइट के अंदर वैल्यू नहीं डालनी है। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू डालना कहाँ पे है, तो मैं चाहूँगा कि ये जो हमारा वैल्यूज है ये वैल्यू हमारा पोस्ट ग्रेस में जाना चाहिए। अभी बाय डिफॉल्ट क्या है कि ये हमारा ये सिक्वलाइट में जा रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे वैल्यू को पोस्ट ग्रेस में डालना है, नंबर वन। नंबर टू, तो पहले बात मैं ये जो कमांड है इस कमांड को लिख दूँ, यहाँ पे ये कमांड था पाइथन मैने डॉट पाई, उससे पहले आपने ये कमांड चलाया था पाइथन, और ये अब ये टूल कहाँ से आ रहा है, जो हमारा एप्स का नाम है वही लिया है मैंने, और ये 001 ये हमारा फाइल है ना, उस फाइल को ये रन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक माइग्रेशन, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे तुम यहाँ पे देख लोगे कि जो हमारा टेबल वगैरह जो कमांड बन रहा है वो क्या बन रहा है। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है, फाइनली आपको यही काम करना है, पाइथन मैने डॉट पाई माइग्रेट, कभी भी कोई चेंजेस करते हो मॉडल के अंदर तो बस आप अपना सीधा माइग्रेट कर दो, कमांड उमान देख के क्या करोगे, सीधे अपना ये लाइन चला दो पाइथन मैने डॉट पाई माइग्रेट कर दो, अपना काम कर देगा। या फिर मेक माइग्रेशन के बाद यहाँ पर माइग्रेट कर दो, मेक माइग्रेशन क्लास क्रिएट करता है, यदि आप सिक्वल माइग्रेट करोगे तो उसका सिक्वल इक्विवेलेंट कमांड दिख जाएगा आपको कि क्या है, लेकिन वो टेबल में चेंज नहीं होगा, टेबल में यदि डालना है तो फाइनली यहाँ पर पाइथन मैने डॉट पाई, अब आप यहाँ पर माइग्रेट कर दोगे तो वहाँ पर टेबल में जाएगा। याद रखना मेक माइग्रेशन कुछ नहीं करता, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्लास क्रिएट कर देता है, इसके अपने क्लास होते हैं ना, ये देखो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे 001 बना था, ये जो इनिशियल डॉट पाई बना था। लेकिन बॉस यहाँ पे जो क्लास बना है, जरा तुमने गौर नहीं करा, इस क्लास में एक समस्या है, ये जो हमारा क्लास बना है इस क्लास के अंदर एक समस्या है,
किसी ने गौर नहीं करा। ये देखो समस्या क्या है, मैंने जान के उस बात को छोड़ दिया था। ये जो समस्या है, समस्या ये है कि यहाँ पे देखो भाई प्राइस नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, लेकिन जरा गौर से देखो यहाँ पे प्राइस नहीं आ रहा, प्राइस नहीं आ रहा है ना यहाँ पे। प्राइस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मॉडल के अंदर हमने यहाँ पे गलती कर रखी है, हमने केवल यहाँ पे ये डाल रखा है, तो इस तरीके से काम नहीं करेगा वो, यहाँ पे हमें ये डालना पड़ेगा, है ना। तो चलो अभी हम रहने देते हैं, अभी हमारे टेबल में प्राइस नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इसका इम्पैक्ट आएगी। यदि आप ऊपर वाले कमांड को देखोगे तो यहाँ पे भी देखो क्रिएट टेबल में आईडी तो था, आईडी खुद ब खुद लेता है, इसलिए हमने आईडी वहाँ पे नहीं दिया था क्लास में। अब देखो यहाँ पे नेम, आईएमजी, डिस्क्रिप्शन, ऑफर, प्राइस यहाँ भी नहीं है, है ना। इसका मतलब जो टेबल बन रहा है उसके अंदर प्राइस नहीं है। तो प्राइस नहीं है तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? उसके लिए फिर हम करेंगे रीमाइग्रेशन, फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, रीमाइग्रेशन। ये अभी हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पर माइग्रेशन है, ये हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पर माइग्रेशन है। उसके लिए फिर हमें यहाँ पे करना पड़ेगा रीमाइग्रेशन। चलो माइग्रेशन रीमाइग्रेशन तो बात की बात है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि भाई जो हमारा डेटा है, जो हमारा डेटाबेस है, वो बाय डिफॉल्ट हमारा डेटाबेस जो है SQLite है। आप काम कर सकते हो, गरीबों का मसीहा टाइप है ये, मतलब यदि कुछ भी नहीं है तो भाई चलो कम से कम ये तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास है, हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन भाई ऐसा है कि SQLite यूज नहीं होता Django के साथ, लोग करते हैं पाइथन Django वगैरह में कर लेते हैं रेयरली, लेकिन कहने का मतलब ये यूज नहीं होता। अब तुम बोलोगे सर फिर यूज़ क्या होता है, तो जो यूज़ होता है ना वो होता है पोस्टग्रेस। ये जो पोस्टग्रेस डेटाबेस है वो यूज़ होता है बॉस, और ये पोस्टग्रेस डेटाबेस जो है ये ओपन सोर्स है, ये ओपन सोर्स है और पाइथन के साथ इसकी बेस्ट कंपैटिबिलिटी है, ठीक है। और जितने भी इसके होस्टिंग पैनल है ना, जहाँ पे आप अपने वेबसाइट वगैरह को होस्ट करते हो, तो वहाँ पे भी पोस्टग्रेस का सपोर्ट अवेलेबल होता है। तो कायदे से हम लोग भी पोस्टग्रेस में ही काम करेंगे, जिससे कि मान लीजिए कल के डेट में हम होस्ट करेंगे तो होस्ट करने के लिए हमें पोस्टग्रेस चाहिए, तो भाई चलो डेटा तो कम से कम चला जाएगा। तो पोस्टग्रेस के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब आपको अब यहाँ पे पोस्टग्रेस इंस्टॉल करना है। तो हाउ टू इंस्टॉल, तो पोस्टग्रेस को आप इंस्टॉल करने के लिए आप कैसे करोगे, तो पोस्टग्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहला तो आप पोस्टग्रेस डाउनलोड करोगे, आप यहाँ पे पोस्टग्रेस डाउनलोड करोगे, जैसे हमारा ओरेकल होता है, जैसे हमारा MySQL होता है, जैसे हमारा SQL सर्वर होता है, उसी तरह से हमारे पास पोस्टग्रेस होता है। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भाई पोस्टग्रेस को डाउनलोड कर लो, और केवल और ये जो डाउनलोड करना है ये कौन सा डाउनलोड करना है, हमें विंडोज वाला डाउनलोड करना है, आप पता है लिनक्स में काम कर रहे हो तो लिनक्स वाला करो। पोस्टग्रेस को डाउनलोड करने से कमल काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पे पोस्टग्रेस की आईडी ही होती है जिसमें हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पीजी एडमिन होता है, ये जो पीजी एडमिन होता है इसको भी यहाँ पे हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, ये जो हमारा पीजी एडमिन होता है इसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा। सेव कर लेते हैं भाई, नहीं तो पता लगा ये चला गया, कल से बहुत डर गया, कल शाम में भी एक बार यही घटना हो गई। अब भाई साहब धाएं, ये देखो अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई ये हमारा Django कल 5th और 6th दिया था मैंने, तो मैं इसको 7 कर देता हूँ क्योंकि वो नोट्स उसी की कंटिन्यूटी में ही, तो मैं इसको Django 7 कर देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। चलिए तो आपको यहाँ पर पोस्टग्रेस डाउनलोड करनी है और पीजी एडमिन डाउनलोड करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ गूगल में और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ पोस्टग्रेस डाउनलोड। अब जैसे आप यहाँ पे पोस्टग्रेस डाउनलोड करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा पोस्टग्रेस। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपने सिस्टम के हिसाब से जो भी आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड द इंस्टॉलर, अब आप अपने हिसाब से जो भी आपको लेना है, यहाँ पे विंडोज के लिए लेना है और जो भी वर्सन आप यहाँ पे लेना चाहें आप यहाँ पे डाउनलोड कर लें उसको, ठीक। जो भी आप यहाँ पे अपना डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद आप क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट वो अपना इंस्टॉल हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक मिनट, हाँ बिल्कुल, हाँ बताओ, हाँ बिल्कुल बताओ, हाँ बिल्कुल बताओ, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो मुझे यहाँ पे पीजी एडमिन, ये हम बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पे हमें पोस्टग्रेस इंस्टॉल करनी है, पोस्टग्रेस डाउनलोड करना है। पोस्टग्रेस डाउनलोड करने के बाद
हम यहाँ पे विंडोज यहाँ पे भी आ सकते हो तुम, विंडोज इंस्टॉलर आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं उस पर, डाउनलोड द इंस्टॉलर, और रिडायरेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अपना डाउनलोड कर लें। केवल यही डाउनलोड करने से काम नहीं चलेगा, एक तो आपको ये भी डाउनलोड करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ इसके बाद आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पीजी एडमिन। तो यहाँ पे पीजी एडमिन करके आप डाउनलोड कर लें, पीजी एडमिन डाउनलोड, तो आप यहाँ पे पीजी एडमिन को डाउनलोड करेंगे तो ये यह हमारा यहाँ पे डाउनलोड है विंडोज़ में। तो हम यहाँ पे जाते हैं, ये हमारा पीजी एडमिन है फॉर विंडोज़, आप जो भी यहाँ पे डाउनलोड करना चाहें आप यहाँ पे डाउनलोड कर लें। इतना जल्दी जल्दी ये लोग रिलीज करते हैं, देखो तो आम इमली बना रखा है। ये देख पीजी एडमिन ये रिलीज हुआ है जुलाई 23, 2020 में, और ये 25 में जून में ये हुआ, मतलब एक महीने के अंदर ही अपना। यही तो इन ओपन सोर्स वालों को ना, ये अपनी औकात भूल जाते हैं। ये देखो हर एक 2 दिन पे ये चेंज मार देते हैं। अब 2 दिन पे चेंज मार देते हैं तो परेशानी किसकी होती है? डेवलपर्स की। और डेवलपर फिर क्या करता है? छोड़ ही देता है, जा भैया तू चेंज करता रहा। ये देखो तो कमी रह गई होगी इसमें, पहले वाले में क्या, कोई कमी रह गई होगी उसको अरे दोबारा कोई अपडेट। कमी ज्यादा नहीं रह जाती यार, ये इनकी मार्केटिंग है। देखो कोई भी प्रोडक्ट, एक बात बताओ मुझे कि ओरेकल कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है साल 2 साल के बाद लॉन्च होती है, माइक्रोसॉफ्ट कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है साल 2 साल 3 साल के बाद लॉन्च करती है, ये लोग क्यों कर देते हैं 2 दिन पे? पाइथन में तुम देखोगे हर एक 2 दिन के बाद एक इंस्टॉलेशन है, मतलब एक नया डेवलपमेंट है। बेसिकली क्या है कि ये लोग ओपन सोर्स हैं, यहाँ पे कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटीज तो है नहीं, यही सब तो ड्रॉबैक है ये ओपन सोर्स के। इतने दिन हो गए आज भी ओपन सोर्स उस लेवल का मार्केट नहीं पकड़ पाया, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लेवल पे जो बड़ी कंपनियां हैं जो एंटरप्राइज लेवल पे काम करते हैं उन लोगों ने कभी ओपन सोर्स को एक्सेप्ट नहीं करा। रीजन यही है कि इन्होंने डेवलपर को दुखी कर दिया। पाइथन में आप जितने भी ओपन सोर्स हैं देख लो, नोएसक्यूएल डेटाबेसेस हैं, पाइथन है, ये जितने भी ओपन सोर्सेज हैं ये इन लोगों के पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब इनका कुछ नहीं है। ये हर एक 2 दिन के बाद ये एक क्लास बना देंगे, एक क्लास के अंदर एक मेथड मार देंगे, फिर नया अपग्रेड ला देंगे, जा मतलब बेटा तुमने जो करा जो भी इंस्टॉलेशन रहा वो चला। ये तो दिक्कत है इनकी सर, ये। एक हाँ एक्सेप्शन है इसमें, क्या, गूगल का जो एंगुलर है, हाँ एंगुलर भी हर 2 महीने पे एक नया वर्जन हाँ देता सब यही है, सब है सबका सबका जितने भी ओपन सोर्स हैं सबकी औकात यही है ये लोग। और इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा कुछ नहीं है, लोग जो है सब्स्टिट्यूट की तलाश करते हैं, लोग जो है सब्स्टिट्यूट, जैसे सब्स्टिट्यूट मिलता है छोड़ देते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, हम ये मैं इस पोस्ट ग्रेस को यूज करता था तकरीबन 2004-2005 में, उस समय मैं नोएडा में एक कंपनी में जॉब करता था तरीके से। तो मैं आपको बताता हूँ हमारे मैनेजर्स होते थे वो बोलते थे भाई पोस्ट ग्रेस यूज करो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छा भाई कर लो। और पता है महीने भर के बाद जब प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आती थी तो फिर ओरेकल पे ही शिफ्ट करते थे, क्यों? ना इन लोगों का कोई माए बाप है ना कोई सपोर्ट है, कल के डेट में तुम फंसे तो बेटा फंसे, फिर कोई मिलने वाला नहीं है। ओरेकल में तो ओरेकल कॉरपोरेशन से आदमी तक आ जाता है जी, माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट से लोग तक आ जाते हैं आपके हेल्प के लिए। तो ये जो चीज़ होती है ना यही तो उन लोगों को ब्रांडेड बनाती है, इसीलिए तो लोग उसको प्रेफर करते हैं। ये देखो ना आपके सामने जुलाई 23 में ही आया और जुलाई 25 में ही आया। अब अरे बेटा तुमने ये कर दिया जून 25 में किया, बेकार हो गया तुम तो, अब ये करो, अब हिसाब किताब नहीं है, जो भी है हमें क्या करना भाई। जैसे अब देखो ना एंगुलर में, रिएक्ट में, नोड में, हर एक 10 दिन के बाद चेंज। मैं तो उनको फॉलो करना छोड़ दिया, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने फॉलो करना छोड़ दिया। कितना आदमी पागल होता रहेगा यार, जिंदगी में एक ही काम है कि एंगुलर में बैठ के एनजी एनजी करता रहे भाई, और भी जिंदगी में कई काम है। तो वैसे टेक्नोलॉजी को पकड़ो ना जिसमें स्टेबिलिटी हो, जो चीज़ों को देता हो। इसलिए भाई मैं तो डेटाबेस में ओरेकल को छोड़ के कहीं गया ही नहीं आज तक। ओरेकल 8i में जो काम करते थे, 9i में जो काम करते थे, आज 18c में भी वही काम करते हैं, परफेक्टली कमांड रन करता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार इंस्टॉल कर देते हैं स्मूथ चलता रहता है ना। तो कि अब जैसे पाइथन है भाई साहब पागल कर देता है लोगों को, इंस्टॉल 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 कुछ भी डालो। अभी किया ना तुम्हें, एक इमेज डालना था उसके लिए पिल्लो डालो, मैंने कितना बड़ा बेवकूफ है क्या? ऐसा नहीं कर सकता कि जो भी मॉड्यूल्स हैं जो भी लाइब्रेरीज हैं एक जगह कलेक्ट करके दे दे, आप अपना यूज करते रहो। एवरी टाइम यू नीड टू इंस्टॉल समथिंग, कभी तुम पिप डालोगे, कभी पाई टी जेड डालोगे, कभी पिल्लो डालोगे, कभी बिल्लो डालोगे, भैया कोई मतलब है? लेकिन वही है, क्या करोगे, जो है सो है भैया, झेलना तो पड़ेगा ही। चलिए तो मेरे कहने का मतलब ये, हमने पीजी एडमिन और ये पोस्ट ग्रेस हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद हमने डबल क्लिक कर दिया, वो अपना काम हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पोस्ट ग्रेस में हम काम कैसे करेंगे। ये देखो पोस्ट ग्रेस में हम यहाँ पे कैसे काम करेंगे, ये देखो।
तो पोस्टग्रेस में काम करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आप यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में आइए, और ये जो हमारा डाउनलोड फोल्डर है, डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये हमारा यहाँ पे ये देखो इस तरह से आपको एनवायरनमेंट मिल जाएगा, है ना। ये हमारा यहाँ पे पोस्टग्रेस है, तुम लोग अभी एमटेक कर रहे हो ना, तुम लोग के लिए एक बड़ी अच्छी चीज है, शायद तुम लोग को पता हो या ना हो, मैं तुम लोग को बताऊं। देखो आज के डेट में टेक्नोलॉजी की बहुत जबरदस्त मारामारी है, समझ रहे हो, टेक्नोलॉजी की मारामारी का मतलब आज के डेट में आदमी बड़ा कंफ्यूज है कि कहाँ जाए, क्या करे, कि क्या क्या ना करे और क्या क्या छोड़ दे। मैं तुमको बता रहा हूँ कि अभी मैं एक सेशन लेता हूँ, काफ़ी सारे बच्चे हैं उसमें, सारे यूएसए में बैठे हुए हैं, एमएस वगैरह कर रहे हैं सब, विश्वास नहीं करोगे, वो पाइथन के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पाइथन करा, जेंगो करा, डेटा साइंस की सारी चीज़ें करी। अब उनको इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है तो पहले साले वो C++ पढ़ते हैं, बताओ, C++ पढ़ना पड़ता है, जावा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिर इतना ही नहीं भाई, मेरे कहने का मतलब आज के डेट में टेक्नोलॉजी में, अब मुझे बताओ डॉकर, या मान लो मैं बोलता हूँ, और जितने भी हमारे ओपन सोर्स हैं जो कंटेनर मैनेजमेंट वगैरह के हुए, वो सब तो वेब एप्स में मांगता है, लेकिन आजकल सारी टेक्नोलॉजी मिसमैच हो रखी है, मिक्स हो रखी है। यदि आप पाइथन में जाओगे तो ये नहीं कि केवल वो पाइथन मांगेगा, वो रिएक्ट भी मांग देता है, नोड भी मांग देता है, एंगुलर भी मांग देता है, ठीक है, वो डॉकर भी मांग देता है, वो ग्रुप भी मांग देता है, यो यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क भी मांग देता है, तो दुनिया भर की चीज़ें मांगती हैं। तो आज के डेट में मैं बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी मैं तुमको बताऊं, इसका नाम है ये देखो, ये देख रहे हो सामने, इसका नाम है, मैं तुम लोग को बताता हूँ, ये है हमारा यूआई पाथ, ये यूज होता है इसके लिए, नाम सुने हो इसका, आरपीए, ये आरपीए होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, नाम सुने हैं आप लोग इसका, आरपीए का, रोबोटिक नहीं सुने, मैं आपको बताऊं ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, ये नाम ही देख रहा होगा तुम्हें कि क्या है ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। आज के डेट में देखो, अब जो है ना, आने वाले टाइम में चीज़ें थोड़ी सी अलग तरीके से मूव करने वाली हैं, ऑलरेडी कर चुकी हैं उस डायरेक्शन में। जो यूआई पाथ है ना, ये ऑटोमेशन के लिए बना हुआ है, ये टूल है, मतलब ये सारे प्रोसेस को ना ऑटोमेट कर देता है, आपको ये नहीं करना, मतलब ये सारा जितना भी प्रोसेस होती हैं उनके ऑटोमेशन के लिए बना हुआ है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है, एक तो हाईली डिमांड है, प्रोफेशनल्स नहीं है, अभी सारी कंपनियां मूव कर रही हैं वाई की तरफ, ये क्या करता है 10 लोगों का काम अकेले कर देगा इसीलिए आज के डेट में कंपनियां मतलब आ चुकी हैं, टीम बन चुकी हैं, लोग धीरे धीरे अप्लाई कर रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, जो भी है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और आने वाले टाइम में आप देखना, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, इंडिया वगैरह के अंदर, यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर, यूरोप में तो छाया हुआ है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, दे आर यूजिंग दिस आरपीएफ, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इसके साथ सबसे अच्छी बात ये है, मैं जो फेवर करता हूं, मैं वैसे तमाम लोग जिनको कोडिंग में दिलचस्पी कम हो, जो थोड़ा सा इजी और स्मूथ गोइंग हो, थोड़ा आराम आराम से चीज़ों को करना चाहते हो, अब यदि तुम बोलोगे पाइथन बहुत मारा मारी है, .NET बहुत मारा मारी है, जावा बहुत मारा मारी है, पागल होते रहोगे, हर एक 4 दिन पे कुछ नई चीज़ें आ जाएंगी, फिर भी रिक्वायरमेंट तुम पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, थोड़ा सा आपको .NET की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा आप C# जान लें, C# की बेसिक प्रोग्रामिंग जान लें आप, और 2 महीने इस पर मेहनत कर लें, ठीक है, बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी हाईफाई सैलरी है, ये ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, बड़ी हाईफाई सैलरी है, छोटी कंपनियां यूज नहीं करती, सारी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं, चाहे वो एसेंचर। हाँ सर, राम जी की रिक्वेस्ट आ रही है ज्वाइन करने के लिए। तो राम जी आज थे नहीं क्या? नहीं सर, राम जी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी वो रिक्वेस्ट करा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे राम जी आ जाइए, कहाँ थे भाई, क्या हो गया? हाँ भाई राम जी, क्या हो गया, तबीयत सही नहीं थी? चलो
चलिए आराम से बैठिए और देखिए चीज़ों को। जी तो मैं तुम लोगों से जो बात कर रहा था, मैं बता रहा था कि एक नई चीज़ों के बारे में, इसके बारे में, आरपीए के बारे में। तो ये वो तमाम लोग जिनके लिए, जिनको मतलब प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा, देखो प्रोग्रामिंग बहुत मारा मारी है, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैं तो पागल हो गया हूँ उन चीज़ों को कर करके, ठीक है। तो जो लोग कम हैं थोड़े से, प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा कम मज़ा आता है, चाहते हैं कि कूल और आराम से लाइफ हो और बड़ी हाई प्रोफाइल हो लाइफ हो, तो आने वाले टाइम में ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तुम लोग को पता नहीं, कैसे पता नहीं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इसके अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें यूआई पाथ जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो इसके बारे में कभी सोच सकते हो यदि मतलब टाइम मिले टेक्नोलॉजी वाइज कुछ सीखने का, समथिंग न्यू। अब तुम बोलोगे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लर्निंग, पांच में से चार बंदा आज के डेट में यही कर रहा है। तुमको क्या लगता है सारे लोग उसमें सक्सेस हो जाएंगे? उसमें सक्सेस वही होंगे जो बड़े हाई फाई लेवल के मैथमेटिक्स और तमाम चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं। वो ये सभी लोगों के बस की चीज़ नहीं है, वो मारा मारी है जी, हमें नहीं जी, हमें मशीन लर्निंग। हमारे पास भी लोग आते हैं, मैं भी करवाता हूँ, क्या करूँ भाई, धंधा है तो करवाऊंगा भाई, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन हकीकत यही है कि हर एक आदमी मशीन लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क या इसके तरफ हर एक आदमी नहीं जा सकता। उसके लिए यदि आपका मैथमेटिक्स उस लेवल पे है, आप रिसर्च लेवल पे एस्टेब्लिश्ड हैं, तब जाके आप चीज़ों को उस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये नहीं होता, लेकिन वही है ना, गधा दौड़ रहा है भैया, सब दौड़ रहा है, हम भी दौड़ रहे हैं, बस काम नहीं खत्म। लेकिन ये जो चीज़ जो मैं तुमको बता रहा हूँ अभी, रेयर चीज़ें हैं, खास करके इंडिया में लोगों को भी पता नहीं है, अब आ रहा है धीरे धीरे। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो इसको बताने वाले भी होंगे, जो ट्रेनिंग देने वाले भी होंगे, लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, 2 ढाई महीने में इत्मीनान से हो जाता है। मैंने इसमें सर्टिफिकेशन कर रखा है, मैंने इसमें सर्टिफिकेशन कर रखा है, और यूआई पाथ में मैंने 2-3 महीने पहले ही इस लॉकडाउन में मैंने यही काम करा, इसको कर करा के मैंने सर्टिफिकेशन वगैरह करके। तो बड़े अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, हर एक 2 दिन के बाद एक रिक्वायरमेंट रहती है इसकी, कहीं ना कहीं हमारे प्रोफाइल में पड़ा हुआ रहता है कि भाई आप इंटरेस्टेड हो और ये हो वो। तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये, इसको देख सकते हो। इसमें अच्छी बात यह है, 2 महीने लग के कर लोगे, चीज़ें हो जाएंगी, थोड़ी सी सी शार्प की जरूरत होती है, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोडिंग नहीं लिखना है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे तो बहुत पसंद है। और मैं वैसे तमाम लोगों को बोलता हूँ जिनके लिए मुझे पता होता है कि यार ये फंस जाएगा आगे जाके, तो मैं बोलता हूँ भाई इसको करो, चलिए आइए। तो मैंने यहाँ पे बोला कि ये हमारा पोस्टग्रेस है, ये ओपन सोर्स है, तो मैं यहाँ पे पोस्टग्रेस को ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सबसे पहले पीजी एडमिन। अब जैसे देखो मैं पीजी एडमिन बोलता हूँ, ये हाथी भाई साहब आ गए यहाँ पे, ये जो हमारे हाथी भाई साहब हैं, ये देखो ये हमारा मैनेजमेंट टूल है पोस्टग्रेस सिक्वल का। राम जी कल जहां पे हमने छोड़ा था उसी को हमने आज कंटिन्यू कराया है, ठीक है। तो हमने उसी को कंटिन्यू करते वक्त हमने ये बताया कि भाई हमारा मॉडल जो है, मॉडल के अंदर आप अपना सारा फील्ड वगैरह डाल दो, है ना। हाँ, और ये जो एप्स हमने बनाया है उस एप्स की एंट्री आपको settings.py के अंदर इंस्टॉल्ड एप्स में करना होगा, ठीक है। जैसे आपका नाम है ट्रेवल, तो यहाँ पर ट्रेवल दे देंगे, एप्स डॉट ट्रेवल कन्फिग कर देंगे। अब जैसे मेरा नाम है टूर, तो मैं टूर डॉट एप्स डॉट टूर कन्फिग कर दिया। अब यहाँ पे टर्मिनल पे आने के बाद बस आपको मेक माइग्रेशन करना है, तो मेक माइग्रेशन और ये माइग्रेट करने से ये टेबल वगैरह बन जाएगा हमारा। लेकिन चूंकि हम इमेज स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे इमेज फील्ड ले रहे हैं, तो इमेज फील्ड के लिए हमें पिलो लेना पड़ता है, तकिया लेंगे तभी इमेज आएगा। तो हम यहाँ पे बोलते हैं पिप इंस्टॉल ये पिलो, ठीक है। तो ये, और यहाँ पे जो बाई डिफॉल्ट डेटाबेस होता है वो सिक्वलाइट होता है, तो हम सिक्वलाइट को चेंज कर रहे हैं, सिक्वलाइट में डेटा ना डाल के हम पोस्टग्रेस में डेटा डालेंगे। तो पोस्टग्रेस के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब इसको एक तो पोस्टग्रेस डाउनलोड करना पड़ेगा और दूसरा पीजी एडमिन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पोस्टग्रेस और पीजी एडमिन को डाउनलोड कर लिया है, और डाउनलोड करने के बाद हमने यहाँ पे पीजी एडमिन चला दिया। और जैसे हमने यहाँ पे पीजी एडमिन चलाया, तो अब ये हमारा यहाँ पे पीजी एडमिन ये खुलने वाला है, ये देखो ये हमारा पीजी एडमिन भाई साहब खुलने वाले हैं, ये हमारा यहाँ पे पीजी एडमिन यहाँ पे खुल रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है भाई पासवर्ड दे दो, दिस इज रिक्वायर्ड टू अनलॉक द सेव पासवर्ड और रिकनेक्ट द डेटाबेस सर्वर। अब भाई पासवर्ड मुझे याद तो है नहीं, मैं देख लेता हूँ, 1 2 3 4, मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। हाँ राकेश, पासवर्ड याद है क्या था इसका? बिल्कुल सर, ABCD 1 2 3, ABCD 1 2 3, ABC, ABC, हाँ जी सर, आपने सेव भी करा था ABC, हाँ 1 2 3,
चलो रीसेट कर लेंगे, नहीं तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ रीसेट पासवर्ड, दिस विल रिमूव ऑल द सेव डेटा, करने दे भैया हमें कौन सी आप बता। ठीक है, अब हम यहाँ पे पासवर्ड देते हैं, ये मास्टर पासवर्ड होगा हमारा, यानी कि इस पोस्टग्रेस में आने के लिए। तो मान लीजिए मैं पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4, बस यही देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब ये हमारा देखो यहाँ पे सर्वर है, ये देखो ये हमारा यहाँ पे सर्वर है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, राइट क्लिक करते हैं, हम यहाँ बोलते हैं क्रिएट, हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं सर्वर। अब जिससे भी तुम्हें यहाँ पे कनेक्ट होना है वो सारा तुम यहाँ पे कनेक्ट वगैरह यहाँ पे हो सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये हमारा होस्ट का, ये बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे, पोर्ट नंबर, डेटाबेस का नाम, यूज़र का नाम, ये सब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, ये हमारा सर्वर ग्रुप जो भी हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है यहाँ पे, ये पोस्टग्रेस सिक्वल सर्वर 9, ये सर्वर, ये बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये हमारा पासवर्ड मांग रहा है, तो हमने दिया था 1 2 3 4, इसका कुछ और है, हम यहाँ पे सर्वर क्रिएट ही कर लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे संतोष के नाम से एक सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक, और सर्वर ग्रुप सब वगैरह रहने दीजिए। अब यहाँ पे कनेक्शन में आ जाइए, होस्ट का नाम, तो होस्ट नाम हमारा क्या है, लोकल होस्ट जो हम यहाँ पे देते हैं, और ये हमारा पोर्ट है, ये मेंटेनेंस डेटाबेस का नाम पोस्टग्रेस है, यूजर नेम पोस्टग्रेस है, पासवर्ड भी हम यहाँ पे देते हैं क्या 1 2 3 4, है ना, हम यहाँ पे ये डाल देते हैं और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फील्ड फॉर द यूजर पोस्टग्रेस, तो यही आया था सर मेरे में भी सेम, इससे आगे नहीं बढ़ रहा, पासवर्ड रीसेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, एप्लीकेशन को दोबारा इंस्टॉल करने पर भी कुछ नहीं होता। तो डरा रहा है भाई मुझे सर, मैं 3 4 बार कर चुका हूँ सर, यूट्यूब चैनल मारा। एक मिनट आया, तुम लोग भी एक मिनट ब्रेक ले लो, ठीक है, फिर आते हैं। सूरज, अरे दे
सर होस्ट पासवर्ड है 123। हेलो जैसे अब आप यहाँ पे सेव करोगे हाँ जी बॉस लोग आ जाए सर इस तरह से। हाँ क्या बोल रहे हो? सर सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बताएं सर होस्ट पासवर्ड है 123। अभी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको दिख जाएगा और यहाँ पे डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट डेटाबेस करना है। डेटाबेस पर राइट क्लिक कर देंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट। कौन सा वीडियो चला रखा है सर आपका? यही पोस्टेड इंस्टॉलेशन। वो तो ठीक है, बताना पासवर्ड क्या है। 123 मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ लोकल संतोष देता हूँ, सर्वर ग्रुप कनेक्शन, होस्ट का नाम लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, और यहाँ पे पोर्ट नंबर यही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना, मेंटेनेंस डीबी यही रहेगा, यूजर नेम यही रहेगा, पासवर्ड बता क्या था? 123। यस सर लास्ट टाइम यही सेव करा हुआ है। चलो सेव कर लेते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल सही बोला। अब देखो ये हमारा यहाँ पे ये हमारा ये संतोष करके कनेक्शन बन गया। अब मैं इस संतोष के अंदर आता हूँ, ये हमारा रहा, ये हमारा अलग अलग डेटाबेस है जो मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये संतोष हमारा सर्वर का नाम है जो भी हमने यहाँ पे दिया है, और मैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ अलग अलग डेटाबेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ राइट क्लिक क्रिएट डेटाबेस, जो भी डेटाबेस आपको यहाँ पे बनाना है बना लो। मान लो मैं यहाँ पे टूर के नाम से एक डेटाबेस बना लेता हूँ क्योंकि हमारा वही है, तो मैं यहाँ पे टूर के नाम से डेटाबेस बना लेता हूँ और बाकी को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको सेव कर दो। मतलब सबसे पहले यहाँ पे हमारा सर्वर है, सर्वर में हमने ऐड कर लिया, डेटाबेस हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, हम इसको सेव कर देते हैं। अब ये डेटाबेस बना देगा किस नाम से? तो टूर के नाम से ये डेटाबेस बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा टूर के नाम से ये डेटाबेस बन गया। अब इस डेटाबेस के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा संतोष के अंदर ये टूर है और इसके अंदर आप यहाँ पर देखो ये हमारे स्कीमास हैं, ये हमारे टेबल्स वगैरह हैं, ये देखो। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अब हमें यहाँ से जो है ना ये हम ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे पेस्ट करनी है। तो हमारे डेटाबेस का नाम क्या है? संतोष। हमारा सर्वर का नाम क्या है? संतोष। डेटाबेस का नाम क्या है? टूर, टूर का टी स्मॉल में। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे डालनी है, तो मैं यहाँ पे पीजी एडमिन में आता हूँ, सॉरी पीजी एडमिन बोल रहे हैं हम, क्या है पाईचार्म के अंदर आता हूँ और पाईचार्म के अंदर मैं इसकी एंट्री करता हूँ। तो पाईचार्म के अंदर इसकी क्या एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ पे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं सेटिंग्स डॉट पाई में, और ये जो हमारा सेटिंग्स डॉट पाई है, सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर ये देखो ये हमारा यहाँ पे डेटाबेस है। तो इस डेटाबेस के अंदर हम यहाँ पे चेंज, मैं एक काम करता हूँ, जो पुराने डेटाबेस हैं उसको एज इट इज रहने देता हूँ। पुराने कोड को हटाने से पहले 10 बार सोच लो, क्योंकि बाद में कल हो सकता है भाई मुझे चेंज करना पड़े। तो इसको हटाया मत करो, कॉमेंट कर दो, काम खत्म। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो डेटाबेस है इस डेटाबेस को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसमें चेंजेस कर देता हूँ। सर हाँ जी सर MySQL से एक बार कनेक्टिविटी का वो बता देंगे अभी थोड़ा नहीं सा? बताएंगे सर, ओके क्योंकि अभी हम डेविएट करेंगे ना, तो काफ़ी डेविएट कर जाएंगे, चूंकि मुझे काफ़ी कुछ करवाना है अभी, इसलिए अभी हम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें ही करेंगे। ये देखो अब हम यहाँ पे ये डेटाबेस में है ना, ये यहाँ पे मुझे चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले ये हमारा ये इंजन है, ये इंजन जो है आपको यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। तो जैंगो के लिए हम लोग यहाँ पे पोस्टग्रेस के लिए यूज़ करेंगे जैंगो डॉट डी बी डॉट बैकेंड्स, और बैकेंड के अंदर यहाँ पे दे दोगे पोस्टग्रेस सिक्वल। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ पोस्ट ग्रेस सिक्वल। ठीक, अब मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देना है डेटाबेस का नाम। तो जो हमारे डेटाबेस का नाम क्या था?
डेटाबेस का नाम हमारा क्या था? डेटाबेस का नाम संतोष था ना जो हमने वहां पे दिया था? नहीं, टूर था। डेटाबेस का नाम क्या दिया था आपने? टूर दिया था ना यहाँ पे जब ने वहां पे काम करा था। ये रहा, डेटाबेस का नाम टूर था ना, तो डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पे दे दिया टूर। उसके बाद हम यहाँ पे देना है यूजर का नाम, तो हम यहाँ पे यूजर में क्या देंगे? जो हमारा यूजर है, अब हम यहाँ पे देते हैं यूजर। यूजर का नाम हमारा क्या था? यूजर का नाम याद है ना, जब हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे यूजर का नाम आया था। तो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ संतोष के ऊपर राइट क्लिक, अभी मैं इसके प्रॉपर्टीज में जाऊँ तो ये देखो यहाँ पे यूजर का नाम क्या है, पोस्ट ग्रेस है ना, तो ये जो नाम है यहाँ पे पोस्ट ग्रेस का वही डालना है, ठीक है। और पोस्ट ग्रेस के बाद अब हमें यहाँ पे क्या देना है? हम यहाँ पे देना है पासवर्ड, तो हम यहाँ पे क्या देते हैं? पासवर्ड इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ बोलता हूँ पासवर्ड इज इक्वल टू, और पासवर्ड में मैं यहाँ पे क्या देता हूँ? 123, यही था हमारा, तो हम यही देते हैं पासवर्ड इज इक्वल टू। शुरुआत में जो मांगता है वही ले, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे देते हैं होस्ट इज इक्वल टू, तो होस्ट हमारा क्या था? लोकल होस्ट था, तो हम यहाँ पे बोलते हैं होस्ट इज इक्वल टू, और होस्ट में हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं? हम यहाँ पे बोल देते हैं लोकल होस्ट, हम यहाँ पे बोल देते हैं लोकल होस्ट, जहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे आपका सर्वर इंस्टॉल है, ठीक है। तो डेटाबेस में हमने ये सारा चीज़, इसको मैंने कमेंट कर रखा ऊपर में, तो यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट दे दिया, इंजन का नाम दे दिया पोस्टग्रेस इक्वल, डेटाबेस का नाम डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे पोस्टग्रेस दे दिया और यहाँ पे होस्ट डाल दिया, बस हो गया। डेटाबेस का नाम, यूजर का नाम, पासवर्ड, होस्ट, और ये रहा इंजन, जेंगो डॉट डीबी डॉट बैकएंड डॉट पोस्टग्रेस इक्वल। याद रखना, अब तुम्हें यहाँ पे पोस्टग्रेस के लिए काम करना है, तो जब कभी भी यहाँ पे पोस्टग्रेस के लिए काम करना है तो यहाँ पे ना आपको पिप इंस्टॉल करके, तो यहाँ पे पोस्टग्रेस के लिए अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? यहाँ पे करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल, और पोस्टग्रेस के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं PSY कॉप, पाइसाई कॉप जी टू, तो हम यहाँ बोलते हैं साइकॉप जी, ये हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है पोस्टग्रेस के लिए। ये ऑलरेडी हमारे यहाँ पे यू आर यूजिंग पिप एंड, और ये हमारा इंस्टॉल हो गया, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करना है, ये इंस्टॉल तो हो ही चुका है वो आपका, अब हम यहाँ पे इसको माइग्रेट करवाते हैं, है ना भाई, ये तो हमारा इंस्टॉल हो गया, अब मैं इसको यहाँ पे माइग्रेट करता हूँ। तो माइग्रेट करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सीधा कर देते हैं पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट, भाई कमांड मान देख के क्या करेंगे, तो हमने देखा ही था तब। अब ये जो तुम्हारी टेबल बनी होगी वो टेबल कहाँ बनी होगी? पोस्टग्रेस में बनी होगी ना, तो जाके देखो यहाँ पे पोस्टग्रेस में टेबल आया कि नहीं आया। अब ये जो हमारा टूर था, ये टूर भाई साहब के अंदर, अभी मैं यहाँ पे स्कीमा में जाऊँ, और स्कीमा में मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करो भाई साहब को, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लो, ये हमारा टूर है, टूर के अंदर ये स्कीमा है, और स्कीमा के अंदर मैं यहाँ पे टेबल में जाऊँ, जरा गौर से देखिए, जितनी टेबल आपने वहां पे माइग्रेट करी थी वो सारी टेबल यहाँ पे निकल के आ गए। आकाश देखना बाहर कोई आया है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ टूर डॉट डेस्टिनेशन, टूर अंडरस्कोर डेस्टिनेशन, तो ये हमारा डेस्टिनेशन है, ये देखो ये हमारे कॉलम्स आ गए, आईडी है, नेम है, इमेज, यही दिया था ना आपने, लेकिन बॉस यहाँ पे प्राइस नहीं आया है, ये देखो। और उसके अलावा तुम देखो यहाँ पे जो पाइथन जो अपना बनाता है वो सारा यहाँ पे आ गया, ये देखो ये यहाँ पे ऑथराइज्ड यूजर में सारा कुछ यहाँ पे आ गया, ये जैंगो एडमिन, ये सारा कुछ आ गया यहाँ पे, ये सारा कुछ आ गया, ये देखो, मतलब जो जैंगो बनाता है जो कुछ भी करता है वो सारे यहाँ पे आ गए। लेकिन बॉस अच्छी बात ये नहीं है, अच्छी बात ये नहीं है कि आपका ये जो टेबल है उसमें एक कॉलम मिसिंग है, प्राइस की जो कॉलम है वो यहाँ पे मिसिंग है ना। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो प्राइस वाली कॉलम है वो भी आ जाए, तो भाई कोई बुराई थोड़ी है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि वो आ तो रहा नहीं है, तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे रीमाइग्रेशन। रीमाइग्रेशन का मतलब पहले से ऑलरेडी माइग्रेट है, उसमें हमें कुछ एड ऑन करनी है, तो मैं यहाँ पे रीमाइग्रेशन करूंगा। तो रीमाइग्रेशन करने के लिए
एक तो होता है माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब जो भी तुमने मॉड्यूल ने बनाया उठा उठा के उसने टेबल में डाल दिया। दूसरा होता है रीमाइग्रेट, रीमाइग्रेट का मतलब भाई पहले था उसमें कुछ गड़बड़ थी, मैंने अब जैसे ये प्राइस है, प्राइस तो आ नहीं रहा था तो मैं यहाँ पे ये जो प्राइस है ना, प्राइस में हमने ब्रैकेट जानबूझ के छोड़ दी थी बॉस कि वो नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से रीमाइग्रेट करता हूँ। अब यदि मैं यहाँ पे तो रीमाइग्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ पाइथन मैने डॉट पाई, मैं यहाँ बोलता हूँ मेक माइग्रेशन, फिर से मैं मेक माइग्रेशन बनाता हूँ। अब आप देखो यह मैं बोल रहा है कि भाई तुम यहाँ पे मेक माइग्रेशन तो कर रहे हो, प्रोवाइड ए वन ऑफ डिफॉल्ट नाउ, लेट मी ऐड ए डिफॉल्ट इन द मॉडल डॉट पाई, ये बोल रहा है कि भाई इसमें सेलेक्ट एन ऑप्शन डिफॉल्ट नाउ। तो अब ये बोला यू आर ट्राइंग टू ऐड ए नन नलेबल फील्ड प्राइस, ऑलरेडी ये टेबल में है, टू डेस्टिनेशन विदाउट ए डिफॉल्ट, वी कांट डू दैट, बोल रहा है भाई हम नहीं करेंगे ऐसा। तो अब ये बोल रहा है कि भाई इसको कम से कम कुछ तो डिफॉल्ट दे दो, क्विट एंड लेट मी ऐड ए डिफॉल्ट इन मॉडल डॉट पाई, हम बोलते हैं वन सेलेक्ट एन ऑप्शन। अब ये बोल रहा है कि भाई आप कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दे दो, हम डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं जीरो, हो गया। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे उसने जीरो डाल दिया, तो ये हमारा फील्ड ऐड हो गया। अब आप जरा गौर से देखो यहाँ पे एक और माइग्रेशन हमारा बन गया होगा, ये देखो 002 डेस्टिनेशन एंड इसको प्राइस आ गया ना। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको भी वहाँ पे टेबल में ऐड करवाना है, तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, सीधे मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइग्रेट, मैं सीधे कर देता हूँ माइग्रेट, जो भी चेंज फेंज होगा सब अपना उठा के डाल दिया, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे अप्लीकेबल हो गया, और मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब आप जरा गौर से देखो यहाँ पे ये जो आपकी टेबल एंड डिस्टेंस, ये आईडी नेम, भाई इसको जरा रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो, ये देखो प्राइस भी आ गया ना, पहले ये प्राइस नहीं था ना हमारा। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीमाइग्रेशन। रीमाइग्रेशन का मतलब भाई हमें टेबल में बार बार चेंज करना पड़ता है, तो कभी भी हमें टेबल वगैरह में चेंजेस करने हो तो टेबल वगैरह में चेंज करने के बाद आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपना जो भी फील्ड वगैरह ऐड करना है यहाँ पे चेंज करके सीधे आप यहाँ पे माइग्रेट कर दीजिए, या मेक माइग्रेशन करके देख लीजिए कि क्या बना रहा है वो, तो मेक माइग्रेशन करके और फिर आप सीधे यहाँ पे माइग्रेट कर दें, तो ये टेबल में हमारा डेटा यहाँ पे चला गया, ठीक। चलो अब आपका टेबल में डेटा चला गया, अच्छी बात है, इसका मतलब ये हमारा मॉडल डॉट पाई है, मॉडल डॉट पाई के अंदर हमने यहाँ पे ये काम करा, मैं जरा इसको नोट डाउन करवा दूँ यहाँ पे। तो पोस्ट ग्रेस आप इंस्टॉल कर देंगे, पोस्ट ग्रेस में इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पाई में क्या चेंजेस करेंगे, सेटिंग्स डॉट पाई में आपको डेटाबेस पोस्ट ग्रेस के लिए ये चेंजेस करना है, जो हमारा सेटिंग्स डॉट पाई होगा, सेटिंग डॉट पाई के अंदर आपको यहाँ पे ये चेंजेस करना है। कर दिया, ये हमारा चेंज हो गया, याद रखना है यहाँ पे पोस्ट ग्रेस इक्वल है, यहाँ पे डबल एस नहीं है, ये डेटाबेस का नाम है, ये हमारा यूजर का नाम है, बाई डिफॉल्ट यही होगा, ये पासवर्ड है, ये जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो जो देते हो उसको याद रखना, ये हमारा होस्ट है इसमें भी यही रहेगा। और इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, ये जो आपने यहाँ पे पिप करा था, ये पिप वाले भाई साहब को भी तो देखना है, ये जो आपने ये करा था पिप इंस्टॉल पी साइकॉप G2, ये बेसिकली पोस्टग्रेस डेटाबेस के लिए होता है, ये आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे जब कभी पोस्टग्रेस में काम करना हो, तो यदि आपने चेंज करा है डेटाबेस को पोस्टग्रेस में वर्क करना हो तो इसके लिए आपको ये काम करना है, यहाँ पे ये काम करेंगे, ठीक है। पिप इंस्टॉल, मैंने यहाँ पे बोल दिया पी साइकॉप G2, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे अपना फिर से वहाँ पे माइग्रेट टाइग्रेट करवा दीजिए, मैं एक माइग्रेशन करके अपना माइग्रेट कर दीजिए, काम कीजिए, ठीक है ना, ये करने की जरूरत नहीं है। और यदि अब आप जाके यहाँ पे पोस्टग्रेस में देखेंगे तो वो टेबल वगैरह बन के आ गया, टेबल वगैरह क्रिएट हो जाएगा, यदि हम जाके पोस्टग्रेस में देखेंगे तो वो हमें वहाँ पे दिख जाएगा। पोस्टग्रेस में देखने से पहले रिफ्रेश करना जरूर ना भूलें, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, चलो अब हम लोग को आना है एडमिन के ऊपर, अभी हमने एडमिन को लेके कोई काम नहीं करा है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जेंगो के अंदर जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है, इसका एडमिन पैनल बन बन के आ जाता है। तो अभी हमने टेबल बना लिया, अब जरा मैं इसके एडमिन पैनल पे काम करूंगा। तो एडमिन पैनल पे काम करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे अब यहाँ पे एडमिन पैनल पे काम करना है, तो ये जो हमारा टूर है ना, और टूर के अंदर यहाँ पे देखो ये एडमिन डॉट पाई है ना,
एडमिन डॉट पाई के अंदर अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा है, आप अपने मॉडल को यहाँ पे रजिस्टर कर दें। तो आप रजिस्टर कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आप बोलते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल इम्पोर्ट, और किसको इम्पोर्ट करना है, तो उसका नाम क्या था हमारा, डेस्टिनेशन, यही था ना, तो जो क्लास था वो यहाँ पे डाल दें। अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, साइट डॉट रजिस्टर, किसको रजिस्टर करना है भाई, तो हमें यहाँ पे रजिस्टर करना है अपना वो जो हमारा डेस्टिनेशन है इसको, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम एडमिन पैनल में जाएंगे तो इसके क्रॉस्पॉन्डिंग मुझे वहाँ पर फॉर्म्स वगैरह सब बन के मिल जाएगा। तो जो भी आप यहाँ पर एडमिन पैनल के अंदर बनाएंगे मॉड्यूल में जो भी डालेंगे क्लास, यदि आप चाहते हैं कि एडमिन पैनल में वो दिखे, तो उसके लिए यहाँ पे एडमिन डॉट पाई में तुम्हें ये चीज़ दो लाइन डालनी पड़ेगी, उसको ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, अब आप यहाँ पे क्या करो भाई, मुझे एडमिन पैनल पे जाना है, तो एडमिन पैनल पे जाने के लिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मुझे एडमिन पैनल पे काम करना है, अब मुझे एडमिन पैनल पे काम करना है। तो एडमिन पैनल पे जाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो यहाँ पे एडमिन डॉट पाई में तुम यहाँ पे ये चेंज करते हो, एडमिन डॉट पाई में आप यहाँ पे ये चेंज करते हो। एडमिन डॉट पाई में चेंज करने के अलावा अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एडमिन डॉट पाई में हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम लोग कोड अपना लिखते हैं, और यहाँ पे क्या कोड लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन मैनेज डॉट पाई, हम यहाँ बोलते हैं क्रिएट सुपर यूज़र, क्रिएट सुपर यूज़र, हम यहाँ पे सुपर यूज़र बनाते हैं, क्रिएट सुपर यूज़र। अब जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ क्रिएट सुपर यूज़र, तो ये बोल रहा है भाई यूजर नेम बाई डिफॉल्ट ही है, मान लीजिए मैं बोल देता हूँ यूजर नेम मैं देता हूँ एजाइल, और मैं ईमेल आईडी देता हूँ एट द रेट ऑफ दिस वन, कुछ भी दे दो, पासवर्ड देता हूँ 123, अगेन देता हूँ 123। अब मैं बोलता हूँ यस बिल्कुल सही है जी, तो हमने दे दिया एजाइल हमारा सुपर यूज़र का नाम है, और जो हमारा पासवर्ड का नाम है हमने दे दिया 123। तो अब हमने यहाँ पर ये डाल दिया, अब हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पाई, मैनेज डॉट पाई, मैं यहाँ पे बोलता हूँ रन सर्वर। अब यदि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अब यदि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो हमारा ये अपना आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एडमिन पैनल पे जाना है, ये सब आ रहा है अपना, ये देखो ये सब जो आपने डाला था। अब मुझे यहाँ पे एडमिन पैनल पे जाना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्लैश एडमिन। अब जैसे मैं यहाँ पर स्लैश एडमिन करूँगा तो ये देखो यहाँ पर आ रहा है, तो हमारा यूज़र का नाम क्या था, हमने दिया था एजाइल, और पासवर्ड हमने दिया था 123, जो सुपर यूज़र में तुमने दिया था ना वो, ये राजी। अब आप जरा गौर से देखो यहाँ पे ये डेस्टिनेशन आ रहा है ना, ये आपका वेलकम कर रहा है बॉस, और यहाँ पर ये डेस्टिनेशन आ रहा है। यदि मैं डेस्टिनेशन में ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक करता हूँ, ये देखो खुद ब खुद ये सारे फील्ड वगैरह बन के आ रहे हैं। अब डेस्टिनेशन में तुम क्या डालना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर डेस्टिनेशन में देना चाहता हूँ जी मुंबई। इमेज फाइल कौन सा लेना चाहते हो, हालांकि वो काम अभी नहीं करेगा, मैं यहाँ पर करता हूँ चूज फाइल, और मान लीजिए मैं इमेज फाइल में ये ले लेता हूँ भाई साहब को, या मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ और ले लेता हूँ, ये भाई साहब को ले लेता हूँ एरो जी पीछे। डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए जो भी आपको यहाँ पर डालना है, आप जरा गौर से देखो ये टेक्स्ट बॉक्स वगैरह खुद ब खुद बन के आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देता हूँ गुड प्लेस टू विजिट, ठीक। अब मैं यहाँ पे प्राइस डालता हूँ, जो भी हमारा प्राइस डालना है, मान लीजिए मैं देता हूँ यहाँ पे 1000। अब आप ऑफर रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, हम टिक कर देते हैं, देखो चेक बॉक्स आ रहा है, देख लो, हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, अभी हमारा यहाँ पे सेव हो गया। यदि आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये दिख रहा है कि भाई यहाँ पे सेव हो गया। अब एक काम करो, एक बार देख तो लें कि टेबल में गया अभी कि नहीं गया, कि वैसे ही फर्जी में गुरुजी ने बता दिया कि सेव हो गया। तो टेबल कौन सा था हमारा, टूर डेस्टिनेशन, टूर डेस्टिनेशन पे इसको रिफ्रेश करो, और यहाँ पर यदि मैं इसको सिलेक्ट करके देखूँ, व्यू मैं करूँ ऑल रोज, ये देखो आईडी आ गया 1, मुंबई था यही दिया था आपने, इमेज भी आ रहा है। आप जरा गौर से देखो, जो मैंने इमेज अपलोड किया कहाँ जा रहा है, वो पिक फोल्डर के अंदर जा रहा है, हमने दिया था ना कि पिक फोल्डर में जाना है, और डिस्क्रिप्शन में आ गया गुड, और ये ऑफर आ गया, ये हमारा प्राइस आ गया। तो जो हमने वहाँ पे एडमिन में डेटा दिया वो सारा यहाँ पे टूर अंडरस्कोर डेस्टिनेशन के अंदर आके निकल के आ गया, है ना। अब यदि मान लीजिए मैं और भी यहाँ पे डालना चाहता हूँ, तो और भी आप यहाँ पे टेबल वगैरह डालें, जो भी आप यहाँ पे डेटा डालेंगे, और तो वो अपना यहाँ पे काम करेगा, है ना। तो ये रहा डेस्टिनेशन,
और भी करना है ऐड डेस्टिनेशन, तो फिर ऐड कर दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर बोल देता हूँ चेन्नई, और मैं बोल देता हूँ चूज फाइल, जो भी आप यहाँ पर फाइल लेना चाहते हैं, मान लीजिए मैं ये फाइल ले लेता हूँ, है ना। और मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ नाइस प्लेस, जो भी आप यहाँ पर डालना है, जो भी राम कहानी लिखनी है अपना लिख दीजिए। यहाँ पर प्राइस डाल देता हूँ कि कितना है, और मैं यहाँ पर ऑफ़र भी डाल देता हूँ, या ऑफ़र हटा देता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ। ये देखो ये हमारा सेव हो गया। यदि मैं यहाँ पर आके देखूँ पीजी एडमिन में, यदि मैं पीजी एडमिन में इसको रन करके देखूँ, तो ये हमारा देखो अब दो फाइल आ गए, ये चेन्नई भी आ गया और ये हमारा ये भी आ गया, है ना। तो जो हमने डेटाबेस में वहाँ पर एडमिन, अब ज़रा गौर से देखो इसके लिए तुमने क्या करा, कुछ करा क्या तुमने, कोई कोड लिखा है इसके लिए? नहीं ना, ये खुद ब खुद आपको दे के लेके दे रहा है ना। तो ये एडमिन पैनल जो है ये खुद ब खुद हमें बना के तो दे ही देता है, तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। अब हमें क्या करना है बॉस, ये जो हमारा इमेज है, अब यहाँ पे ये जो हमारा इमेज है, अभी तो इमेज तुमने अपलोड कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ पे इमेज क्या करना है, इमेज को तो मुझे कहीं ना कहीं यूज भी करना होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे एक मीडिया फाइल बनानी पड़ेगी। आप ज़रा गौर से देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो चलो पहले मैं इसको लिख देता हूँ कि आपको करना क्या है। तो एडमिन डॉट पाई में तो आपने रजिस्टर कर दिया, रजिस्टर करने के बाद अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एडमिन डॉट पाई में आपने अपने वेबसाइट्स को टेबल वगैरह देख लिया आपने, ये बन गया एडमिन डॉट पाई में रजिस्टर कर दिया। और यहाँ पे टर्मिनल पे, ये जो हमारा टर्मिनल है, टर्मिनल पे एक काम हम कर लेते हैं, क्या काम कर लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ फिलहाल। ये जो हमारा टर्मिनल था, इस टर्मिनल पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, और टर्मिनल पे क्या कर देते हैं, पाइथन, पाइथन मैने डॉट पाई, पाइथन मैने डॉट पाई, और हम यहाँ बोल देते हैं क्रिएट सुपर यूजर, क्रिएट सुपर यूजर, हम यहाँ पे सुपर यूजर बना देते हैं, है ना। तो यूजर नेम पासवर्ड वगैरह मांगेगा, बस हो गया। और उसके बाद अपना सुपर यूजर बनाने के बाद अब आप यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर कर दें, रन सर्वर कर दें। रन सर्वर करने के बाद आप अपना वहाँ पे स्लैश एडमिन कर देंगे, तो एडमिन में आ जाएगा ना। और एडमिन में आने के बाद अपना सुपर यूजर पासवर्ड वगैरह दीजिए, डेस्टिनेशन ऐड करके देखिए, डेस्टिनेशन ऐड करके देखिए, जो आप डेस्टिनेशन ऐड कर रहे हो उसको पोस्टग्रेस में चेक कर लो, और उसको पोस्टग्रेस में चेक कर लो कि भैया वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इतना काम मेरा हो गया। अब मैं जरा आता हूँ कि भाई ये जो हमारा इमेज है, इमेज को लेके थोड़ा सा हमें यहाँ पे और भी अभी काम करना है। तो मैं यहाँ पे पोस्टग्रेस के इसमें आता हूँ, ये इमेज देखो, ये हमने यहाँ पे ये तो डाल दिया, ये देखो पिक के अंदर ए डॉट जे पी जी, ये सारी कहानी हमने यहाँ पर डाल दी। लेकिन अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर, तो मैं इसमें आता हूँ सेटिंग डॉट पाई में, ये देखो हमारा ये सेटिंग डॉट पाई है, सेटिंग डॉट पाई में यहाँ पे होगा, ये तो हमारा यहाँ पे स्टैटिक यूआरएल वगैरह है। सेटिंग डॉट पाई के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे सेटिंग डॉट पाई के अंदर आता हूँ, और सेटिंग डॉट पाई के अंदर मैं यहाँ पे मीडिया को लेकर काम करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मीडिया रूट, तो मुझे यहाँ पे देना होगा मीडिया मैं यहाँ पे बोलता हूँ मीडिया अंडरस्कोर रूट, मुझे मीडिया रूट लेके देना होगा, और मुझे बताना होगा कि मीडिया का रूट क्या है। यहाँ पे है नहीं क्या कहीं मीडिया, यहाँ नहीं है, चलो हम डाल देते हैं। हम यहाँ बोल देते हैं मीडिया रूट इज इक्वल टू, हम यहाँ बोलते हैं ओएस डॉट हम यहाँ बोलते हैं ओएस डॉट, और मैं यहाँ बोलता हूँ पाथ डॉट ज्वाइन। अब मैं यहाँ बोलता हूँ बेस एड्रेस, बेस डी आई आर, बेस एड्रेस को डी आई आर, ठीक है।
और हम किस फोल्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं मीडिया की, तो मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम डाल देता हूँ मीडिया। हम यहाँ पर नाम डाल देते हैं मीडिया, तो हमने बोला बेस डी आई आर इज इक्वल टू हमारा मीडिया हो गया। अब मैं बोलता हूँ मीडिया यू आर एल इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ मीडिया, मैं यहाँ पर बोलता हूँ मीडिया यू आर एल मैं बोलता हूँ मीडिया यू आर एल इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्लैश मीडिया। ये हमारा यहाँ पे मीडिया के अंदर जाएगा। तो हमने यहाँ पे मीडिया रूट डाल दिया और हमने यहाँ पे मीडिया यू आर एल डाल दिया, और मीडिया यू आर एल में हमने यहाँ पे ये डाल दिया कि भाई हमारा जो भी फाइल होगा वो मीडिया के अंदर जाएगा। ये दो चीज़ हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा यू आर एल ए डॉट पाई है, यू आर एल ए डॉट पाई के अंदर भी हमें इस मीडिया के लिए काम करना पड़ेगा, हमें यू आर एल ए डॉट पाई के अंदर भी इस मीडिया के लिए काम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं अपने ये जो हमारा प्रोजेक्ट वाला यू आर एल ए डॉट पाई है, तो प्रोजेक्ट वाले यू आर एल ए डॉट पाई में ये देखो, ये यहाँ पे सारी कहानी राम कहानी। अब मैं यहाँ पे सेटिंग से कुछ चीज़ों को लेना चाहता हूँ, तो सेटिंग से जब किसी भी चीज़ को लेना चाहते हो तो यहाँ पर बोलोगे फ्रॉम, फ्रॉम, अब मैं बोलता हूँ जेंगो डॉट कॉन्फ, अब मैं यहाँ बोलता हूँ इम्पोर्ट, अब मैं बोलता हूँ सेटिंग्स। सेटिंग का कोई भी चीज़ उठाने के लिए हम ये काम करते हैं, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फ इम्पोर्ट सेटिंग, ठीक। अब हमने यहाँ पे सेटिंग्स ले लिया। अब सेटिंग लेने के बाद मैं काम और कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ फ्रॉम जेंगो डॉट, फ्रॉम जेंगो डॉट, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉन्फ डॉट यू आर एल एस डॉट स्टैटिक, और इंपोर्ट कर लेते हैं हम किसको, स्टैटिक। तो जो हमारा स्टैटिक था उसको भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, हमने यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर इंपोर्ट करना है, और स्टैटिक वाला जो हमारा डेटा है उसको भी हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये सब लिखा हुआ है ना, ये यह हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें आप बोलते हैं यू आर पैटर्न वाले लाइन पे, यू आर एल पैटर्न इज इक्वल टू, ये जो यू आर एल पैटर्न है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ के साथ मैं यहाँ पे पैटर्न में एड ऑन करना चाहता हूँ, तो मैं बोलता हूँ यू आर एल पैटर्न इज इक्वल टू यू आर एल पैटर्न प्लस, अब आप यहाँ पे क्या दोगे, तो मैं यहाँ बोलता हूँ स्टैटिक, अब मैं यहाँ बोलता हूँ स्टैटिक, स्टैटिक के अंदर मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि जो हमारा सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर जो हमारा मीडिया का ये है, सेटिंग के अंदर जो हमारा यहाँ पे सेटिंग के अंदर जो हमारे यहाँ पे मीडिया रूट है, सेटिंग डॉट मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल, वो जो आपने यहाँ पे मीडिया यूआरएल दिया था ना, हम इस यूआरएल की बात कर रहे हैं, तो सेटिंग के अंदर जो हमारा मीडिया डॉट यूआरएल है कॉमा, अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ डॉक्यूमेंट रूट डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट, डॉक्यूमेंट रूट इज इक्वल टू, अब मैं यहां बोलता हूं सेटिंग डॉट सेटिंग डॉट मीडिया अंडरस्कोर रूट, ये लाइन हमें यहाँ पे डालना है। मतलब मैंने बोल दिया कि यू आर एल पैटर्न, भाई जिस चीज को वो सर्च करेगा यहाँ पे वो तो सर्च करेगा ही, साथ के साथ वो यू आर एल पैटर्न में ये जो सर्च का कंडीशन है वो मैंने इंक्रीज कर दिया कि अब वो जो मीडिया यू आर एल है या जो डॉक्यूमेंट रूट है वहाँ पे भी इस चीज को वो सर्च करेगा, तो ये दोनों कंडीशंस मैंने यहाँ पे डाल दिया। और ये मैंने यहाँ पे कहाँ डाला है, ये यहाँ पे मैंने डाला है यू आर एल ए डॉट पाई में, और ये यू आर एल ए डॉट पाई हमारा यहाँ पे कहाँ है, ये हमारा यू आर एल ए डॉट पाई जो है ये प्रोजेक्ट वाला यू आर एल ए डॉट पाई है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है,
अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई ये देखो, ये जो हमारा स्टैटिक था, स्टैटिक के अंदर हमारा यहाँ पे क्या था, इमेज था ना, ये हमारा इमेज था। राइट क्लिक इस इमेज फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे मेंशन करा है स्लैश मीडिया बेस डी आई आर स्लैश मीडिया, चलो अभी देखते हैं इसको, आने दो एरर, उसके बाद देखते हैं। तो मैंने आपको ये बोला कि आप सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर आएंगे, अब मुझे जो भी काम करना है इमेज को लेके मैनिपुलेट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मीडिया रूट में आता हूँ, यहाँ पे ओ एस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन जो हमारा बेस डी आई आर है, यहाँ पर हमने मीडिया डाल दिया, मीडिया यू आर एल में हमने यहाँ पे ये डाल दिया, तो मीडिया का रूट आपने ये बता दिया कि मीडिया फोल्डर से जाएगा, और अगेन हमने यहाँ पे मीडिया यूआरएल में यहाँ पे ये मीडिया डाल दिया, ये गलत है भाई, यहाँ पे मीडिया डाल दिया, और यहाँ पे हमने यहाँ पे ये जो हमारा यूआरएल डॉट पाई है, यूआरएल डॉट पाई के अंदर हमने यहाँ पे मीडिया यूआरएल ले लिया और यहाँ पे मीडिया का रूट ले लिया। अब ये सेटिंग्स हमने यहाँ पे चेंज कर दिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, ये जो डेटा आपने यहाँ पे डाला है इस डेटा को तो मुझे डिस्प्ले भी तो करना है, तो इस डेटा को आप डिस्प्ले कहाँ पे करोगे, तो डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एप्स वगैरह को बंद करें, ये एडमिन को भी बंद कर दें, ये इंडेक्स को भी बंद करें, ये मीडिया डॉट पाई इसको भी बंद करें, मॉडल डॉट पाई ये इसको भी बंद कीजिए यहाँ पे। अब मैं आता हूँ यहाँ पे व्यूज़ में, और व्यूज़ में मुझे क्या करना है, जो भी टेबल में डेटा है, जो डेटा तुमने अभी डाला था उस डेटा को मुझे यहाँ पर उठाना है, तो डेटा को उठाने के लिए मैं क्या करूँगा, चलो ये जो है इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, चेंजेस ज़्यादा नहीं करता, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ डेफ फंक्शन बना देता हूँ, और मैं नाम देता हूँ इंडेक्स, कुछ भी नाम दे दो, हम यहाँ बना देते हैं इंडेक्स, और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, जो भी हमारा रिक्वेस्ट था, जो भी हमारे यहाँ पर रिक्वेस्ट था हमने डाल दिया डेफ इंडेक्स रिक्वेस्ट। अब मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ डेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ तुम क्या पास कर रहे थे, यहाँ पे डेस्टनी तो पास कर रहे थे, डेस्ट इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डी एस टी एस, यहाँ पर हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में हमने पास किया था डेस्ट वन, और डेस्ट वन के अंदर हम यहाँ पे डेस्ट पास कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डेस्ट वन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलता हूँ डेस्ट वन इज इक्वल टू, और डेस्ट वन में मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डेस्टिनेशन डॉट, यहाँ पे बॉस जैसे हम लोग डेटाबेस वगैरह में लगाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, यहाँ पे लगता है ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ बोलता हूँ डेस्टिनेशन डॉट, जो भी हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ऑब्जेक्ट्स डेस्टिनेशन डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, तो जो भी टेबल में तुमने डेटा डाला था वो सारा डेटा हमारा यहाँ पे डेस्ट वन में आ जाएगा, ये डेटा हमारा यहाँ पे डेस्ट वन में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें डाल दो, डाल दिया, और यहां पे भी रिटर्न रेंडर करवा दो, उसी पेज पे पहुंचा दो उसको, ऑब्जेक्ट ही तो है यहां भी, तो तुम ऑब्जेक्ट नहीं पास कर रहे थे, लेकिन अब कंडीशन यह है कि जो वैल्यू मैं पास कर रहा हूं ये वैल्यू मैं यहां से पास कर रहा हूं, यहां भी तो तुम ऑब्जेक्ट नहीं पास कर रहे थे अलग अलग, यहां भी हम ऑब्जेक्ट ही पास कर रहे हैं, ये जो हमारा डेटा है ये डेस्ट वन इज इक्वल टू, ये वैल्यू वैल्यू हमने यहाँ पे डेस्ट में डाल दिया, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पे जाके देखूँ, अब यदि मैं इसको रन करूँ पाइथन मैंने डॉट पाई रन सर्वर, अच्छा यू आर एल ए डॉट पाई में भी तो एंट्री चेंज करनी पड़ेगी भाई, तो यू आर एल ए डॉट पाई में आपने किसको कॉल करवाया है, ये जो हमारा था कहाँ गया, ये जो रहा हमारा टूर, टूर के अंदर ये यू आर एल ए डॉट पाई है ना, इसके अंदर हमने यहाँ पे किसको कॉल करवा रखा है, होम को कॉल करवा रखा है, तो होम की जगह एक काम कर लेते हैं इंडेक्स को कॉल करवा लेते हैं, डॉट इंडेक्स नेम इज इक्वल टू इंडेक्स, अब उस मेथड को हम कॉल ही नहीं कर रहे हैं है ना। अब यदि मैं इसको रन कर दूँ पाइथन मैंने डॉट पाई रन सर्वर,
अब यदि मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, ये देखो मुंबई भी आ रहा है, चेन्नई भी आ रहा है, दो ही रिकॉर्ड डाला था आपने, लेकिन मुंबई और चेन्नई का इमेज नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ पे स्पेशल ऑफर आ रहा है, ये कहाँ से उठ कर आ रहा है? ये देखो मुंबई में तुमने यहाँ पे ट्रू कर दिया था, चेन्नई में तुमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया था, यहाँ पे ये आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे इमेज नहीं आ रहा है। तो इमेज के लिए अब मुझे, अब जरा गौर से देखो, इससे पहले हमारा डेटा ये स्टैटिक होकर आ रहा था, और अब ये जो डेटा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? डेटाबेस से उठ के आ रहा है ना, ये डेटा हमारे डेटाबेस से उठ के आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये जो डेटा है ये डेटा कहाँ से लाना है? टेबल से लाना है ना, जो इमेज आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मतलब जो मैंने यहाँ पे डाला वो डेटा यहाँ, अभी मान लो मैं फिर से यहाँ पे ऐड डेस्टिनेशन करूँ, और मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ, मान लीजिए मैं देता हूँ सिडनी, मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ सिडनी, जो भी डालना है मैं यहाँ पे चूज फाइल कर देता हूँ, और मान लीजिए मैं इसी भाई साहब को लेके देता हूँ, कौन सी आप बता। अब मान लो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देता हूँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और मैं यहाँ पर प्राइस देता हूँ, मज़े में इतना भैया दे दिया, ऑफर ले लिया, सेव कर दो, ये सेव हो गया। यदि मैं यहाँ पर ट्रेवलो में जाके देखूँ, इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखो मुंबई भी आ रहा है, चेन्नई भी आ रहा है, सिडनी भी आ रहा है, स्पेशल ऑफर भी आ रहा है, प्राइस सब कुछ आ रहा है, ये डेटा टेबल से आ रहा है, लेकिन अभी इमेज नहीं आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर इमेज चेंज करना है, तो इमेज चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर तुमने फॉर लूप चलाया था ना वो गुरु जी, आप लोगों ने फॉर लूप चलाई थी, कहाँ पे चलाई थी? ये आपने फॉर लूप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर चलाया था, तो ज़रा उस फॉर लूप में आ जाएं और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आ जाएं। तो कहाँ गया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल? ये रहा हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जो हम लोगों ने फॉर लूप चलाया था, ये रहा जी हमारा, ये हमने यहाँ पर फॉर लूप चलाया था, ये रहा जी फॉर लूप। तो यहाँ पे इमेज एस आर सी में पहले तुम ये सब कहानी लिख रहे थे ना, ये सब कहानी लिख रहे थे ना, अभी इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इमेज एस आर सी को, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे बेस यूआरएल, मैं इसको हटा देता हूँ बेस यूआरएल, और यहाँ पे इमेज एस आर सी में यहाँ पे क्या कर देंगे, वही जिंजा फॉर्मेट, वहाँ से ऑब्जेक्ट कौन सा पास कर रहे हो तुम, ये वेरिएबल कौन सा है, डेस्ट है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, डेस्ट डॉट, डेस्ट डॉट, और आई एम जी डॉट, हम यहाँ बोल देते हैं यू आर एल एस, हमने बोल दिया डेस्ट डॉट आई एम जी डॉट यू आर एल एस, यू आर एल एस नहीं, वहाँ पे क्या नाम था, आई एम जी डॉट यू आर एल, जो हमारा इमेज का यू आर एल है वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, और ये यहाँ पे बंद कर दो। अभी तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा इमेज का जो यू आर एल है, अरे तुम यहाँ पे देखोगे तो यू आर एल तो हमारा ये है ना, यहाँ पे आई एम जी है ना, ये हमारा ई एम जी है ना जो हम वहाँ पे ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बोल दिया डेस्क डॉट आई एम जी डॉट यू आर एल, जो भी हमारा यहाँ पे यू आर एल है वो आ जाएगा। अब यदि मैं इसको यहाँ पे रन करूँ, कंट्रोल सी करो, अब यदि मैं फिर से इसको रन कर दूँ, और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ, ये भाई साहब तो आ गए, ये भाई साहब हमारे सिडनी वाले आ गए, इनका जो इमेज है वो या तो सेव नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं एक बार उनके इमेज में क्या दिक्कत है, या आ गए तब वो भाई लोग भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये हमारे आ गए, और जब ये आ गए तो वो भाई लोग भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, जरा हम इसको टूर में आते हैं, और हम यहाँ पे इसको डिलीट सेलेक्टेड आइटम गो कर देते हैं, ये अपने यहाँ पे यस आई एम श्योर, नया रिकॉर्ड डालते हैं और प्रॉपर डालते हैं कुछ, तो थोड़ा समझ में आएगा ना, एट डेस्टिनेशन। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ दिल्ली डाल देता हूँ, और चूज फाइल करता हूँ। अब मैं फाइल कहाँ से चूज करूँ, चलिए मैं यहाँ से कुछ इमेजेस होंगे, मान लीजिए मैं इनको ले लेता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल देता हूँ कि दिल्ली इज सिटी फॉर
नथिंग। अब ये डाल दिया मैंने यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे जो भी यहाँ पे डालना है डाल दिया, और मैंने यहाँ पे ऑफर कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक, और भी मैं रिकॉर्ड डालता हूँ यहाँ पे, एट डेस्टिनेशन, तीन वैल्यू तो कम से कम डाल ही लो। मैं यहाँ पे मुंबई डाल देता हूँ, यहाँ पे चूज फाइल कर लेता हूँ, और मैं इमेज में यहाँ पे चलो मान लो ये डाल देता हूँ, ठीक है ना, ये मुंबई में है, ये फिल्म सिटी है हमारी जी, फिल्म सिटी यहाँ पे, और ये इसका प्राइस है, और यहाँ पे हमने ऑफर यहाँ हटा देता हूँ, ऑफर सेव कर दो, ये हमने डाल दिया। एक और डेस्टिनेशन ऐड कर लो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जी पंजाब। अब पंजाब में भाई कोई उड़ता पंजाब का फोटो लगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ये राजी उड़ता पंजाब, देख। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंजॉय, भाई पंजाब में तो बस अपना इंजॉय कीजिए, मज़े लीजिए ज़िंदगी के, तो ये यहाँ पे डाल दो, और यहाँ पे अपना सेव कर दो, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अवधि, मैं यहाँ पे ट्रेवलो में आता हूँ और मैं इसको चेक करता हूँ, ये देखिए ये स्पेशल ऑफर पे अवेलेबल है, ये हमारा इंडोनेशिया यहाँ पे जो भी है, ये हमारा बाकी जो डेटा है वो सबको हटा देना होगा मुझे, जो वहाँ पे अननेसेसरी आ रहा था, तो ये हमारा यहाँ पे ये इमेज भी है, भाई साहब भी है, उड़ता पंजाब भी आ गए, और ये भी आ गए, तो बाकी जो हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जो डेटा था, उस डेटा को यदि मैं यहाँ से हटा दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट, ये जो हमारा डेस्टिनेशन में ये सब जो फालतू वाले भाई साहब लोग हैं ना फॉर लूप के नीचे, तो ये जो डेस्टिनेशन है हमारा फॉर लूप के बाद, ये सब को हटा दीजिए ना, अब ज़रूरत क्या है, ये चूंकि अलग अलग ले रखा है ना इन लोगों ने, तो हम तो चूंकि फॉर लूप चला के डेटाबेस से डेटा डाल रहे हैं, तो भाई मेरे कहाँ तक डिलीट करूँ, हाँ चलिए इसी को डिलीट कर देते हैं, है ना। अब हमारा काम हो गया, अब यदि मैं इसको फिर से रन करूँ यहाँ पे, अब यदि मैं फिर से इसको रन करूँ, ये देखो जैसा इमेज था, इमेज को हमें थोड़ा सा उसी हिसाब दे देना पड़ेगा, ये राजी दिल्ली सिटी फॉर नथिंग, ये रहा देखिए, ये राजी मुंबई फॉर फिल्म सिटी हमारा, और ये भाई साहब पंजाब है तो इन्जॉय कर रहे हैं, देख कुर्ता पंजाब है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो डेटा आ रहा है, ये सारा डेटा अब हमारे टेबल से आ रहा है, टेबल में जो भी हम वहाँ पे चेंजेस करेंगे, जो भी करेंगे, वो सारा चीज़ यहाँ पे हमें दिखेगा, समझ में आई बात। जी बॉस लोग, समझ में आया? यस सर। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, अब देखो हर एक चीज़ तो आसान नहीं हो सकती ना, देख कॉम्प्लिकेशंस तो होगी, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपको मैं बताऊं फंसे ही रहते हैं यहाँ पे हम, कहाँ से वो डेटा आ रहा है, क्या जा रहा है, कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो देखो टाइम तो लगता ही है, और काम मतलब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लेकिन अब यह है कि यदि तुम्हारे सामने ये चीज़ें हुई हैं, और ये देखो ये सारे स्टेप्स भी लिखे हुए हैं कि आपको कैसे कैसे करना है, स्टेप्स के अलावा ये वीडियोज़ भी हैं यहाँ पे, तो अधिक इत्मीनान से थोड़ा सा ईमानदारी से हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी डेटा वगैरह है हमारा यहाँ पे अब दिख रहा है, अब आप जरा गौर से देखो यहाँ पे, तो मेरे कहने का मतलब यदि आप चाहते हो कि भाई इमेज को लेके हमें काम करना हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, ये सेटिंग्स डॉट पाई में आपको मीडिया का रूट वगैरह देना पड़ता है, ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ये जो हमारा यहाँ पे फाइल है हमारा, ये देखो हमने मीडिया बनाया नहीं बॉस, ये खुद ब खुद बनाया, जरा गौर से देखो, हमने यहाँ पे मीडिया बनाया नहीं, और जो भी मीडिया के अंदर जरा गौर से देखो, जो तुम वहाँ पे अपलोड कर रहे हो वो मीडिया के अंदर यहाँ पे पिक फोल्डर में था ना, ये देखो यही इमेज थी ना आपकी, यही जो भाई बंधु थे जिनको हम लोगों ने यहाँ पे सेव करा था, तो ये मीडिया हमें बनाने की जरूरत नहीं है, वो जब जैसे ही वो कंपाइल होता है वो अपना मीडिया जैसे तुम अपलोड करते हो तो मीडिया बना के इस फाइल में उसको डेटा को डाल देता है, समझ में आया? पहले तुम लोग इतना करना चाहोगे या आगे बढ़े हैं बताओ? इतना ही ठीक है सर, बहुत हो गया आज, बहुत हो गया, तो मैं एक काम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, देखो ऐसा है ना आप लोग के साथ एक अलग बात है, तो मैं खाना पूर्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ऑनेस्टली कि आप लोग चीजों को सीख जाएं, जितना बता दूं यदि इतना भी कर लेंगे तो बहुत है, एक मतलब अपने आप में जैंगो के अंदर, चूंकि जैंगो में मुझे पता है बोलने, देखो बहुत आसान होता है कि जैंगो आती है बोलना बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक छोटा सा फाइल ही आप इमेज अपलोड करवा के दिखा दें, जिसने किया होगा वो तो कर लेगा, जिसने नहीं किया होगा ढूंढता ही रहेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे स्टेप्स हैं, तो चीज़ें तो देखो काफ़ी हैं, लेकिन ईमानदारी से करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी, तो मैंने ये नोट्स यहाँ पे देखो डाल दिया है, एट डेस्टिनेशन कर दिया, पोस्टग्रेस में चेक कर लिया, अब पोस्टग्रेस में चेक करने के बाद
ये मैंने आपको बताया कि भाई इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पाई जो है ना, सेटिंग्स डॉट पाई में मीडिया के लिए हमें ये काम करना है। ये हमने यहाँ पे पोस्टग्रेस में ऐड कर लिया। पोस्टग्रेस में ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पाई में, सेटिंग्स डॉट पाई में, और ये काम हम क्यों कर रहे हैं, इमेज के लिए। जो हम लोग इमेज अपलोड करेंगे, वो जो अपलोड इमेज है वो पिक फोल्डर में जाना चाहिए ना। सेव कर लो भैया, बहुत खतरनाक है यहाँ। अपलोड करके वो पिक फोल्डर में जाना चाहिए ना, तो यहाँ पर हम सेटिंग डॉट पाई में आते हैं, तो वो जाना कहाँ चाहिए, तो उसके लिए मीडिया फाइल हमें बनानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर सेटिंग्स डॉट पाई में आएंगे, और सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर आपको ये लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है, ये रहा, बस ये दो लाइन डालने हैं और क्या। उठा के कॉपी पेस्ट भी कर दोगे तब भी काम करेगा, ठीक है। अब जो हमारा URL डॉट पाई है, URLs डॉट पाई के अंदर भी उसको देना पड़ेगा कि कहाँ है। तो ये जो हमारा URLs डॉट पाई है, URLs डॉट पाई के अंदर हमें ये डालना है, बस ये लाइन लास्ट में ऐड करना है। लेकिन ये दो लाइन ऊपर वाला भी ऐड करना है ना सेटिंग्स के लिए, तो इसलिए मैं पूरा उठा के डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं पूरा उठा के डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने URLs डॉट पाई यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग्स में डाल दिया, URLs डॉट पाई में डाल दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे व्यूज में उसको दिखाना है। दिखाने के लिए व्यूज में क्या करेंगे, व्यू के अंदर अपना ये मेथड ले लिया, काम खत्म। अच्छी बात यह है, देखो टेबल से डेटा उठाने के लिए राकेश बाबू, देखो डेस्टिनेशन डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, यहाँ से हम लोग लेके काम करते हैं। तो यहाँ पे व्यूज में मैंने यहाँ पे इंडेक्स बना के अपना ये कॉल करवा लिया। व्यूज के अंदर हमने यहाँ पे ये इंडेक्स डाल दिया जिससे डेटा आ जाए। और ये जब डेटा आ गया हमारा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में चेंज, भाई इमेज दिखाने भी तो हैं, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का ये वाला जो पोर्शन है ना डेस्टिनेशन वाला, इसको मैं पूरा उठा के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये एंड फॉर तक का जो है ना, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में मैं क्या चाहता हूँ कि जो डेटा आना चाहिए टेबल से आना चाहिए। तो ये देखो फॉर लूप है हमारा, एक ही डेस्टिनेशन रखोगे बाकी सब हटा दोगे। ये देखो ये हमारा फॉर लूप है, ये देखो IMGSR से इक्वल टू, सभी जगह तो वही आ रहा है। देखो डेस्क डॉट डिस्क्रिप्शन, ये टेबल से डेटा उठ के आ रही है ना, सारे डेटा तो वही आ रहा है, ठीक है। अब यदि मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो रन करने के बाद हमारा वो यहाँ पे काम करेगा, समझ में आई बात। तो ये है हमारा कि टेबल में कैसे बनाओगे। तो आपको सबसे पहले मॉडल क्रिएट करनी है, ये जो मॉडल तुमने बनाया उसकी एंट्री यहाँ पे करनी है। इसके बाद टर्मिनल पे आपको माइग्रेट करवाना है, डेटाबेस सिक्योलाइट होगा उसको चेंज कर लेना है, सेटिंग्स डॉट पाई में ये चेंजेस करने हैं, पोस्टग्रेस में काम करने के लिए ये पीप इंस्टॉल करना है, फिर माइग्रेशन करना है। अब आप यहाँ पे एडमिन पैनल में आके, तो आप एक काम करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप, मैं वीडियो तो बनाई है, स्टेप बाय स्टेप इसको करके देख लेंगे, है ना, करके देख लेंगे, इतना काम हो जाएगा। हमारा जो मेन काम था वो काम हमारा निकल चुका, अब हमारा जो काम बचा हुआ है वो बचा है यहाँ पे थोड़ा सा सेशन वगैरह यूज़ करना, कि यूजर लॉगिन करे, भाई नया यूजर रजिस्ट्रेशन हो तो यूज़र का लॉगिन है, लॉग आउट है, ये सब जो चीज़ें हैं ना ये बची हुई हैं। तो मोरलेस हम 2 घंटा और सेशन करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ सेशन कब करना है, कल करना है या परसों करना है, कब करना है। जी प्रवीण जी, कब करना चाहेंगे सर, अभी बस एक मिनट में बताता हूँ। ऐसा है ना, आराम से पहले आप लोग इसको कर लो, फिर मुझे अपने ग्रुप जो है ना व्हाट्सएप वाला उसमें मुझे बता हाँ। देना कल करना होगा तो कल देख लेंगे, नहीं तो संडे करना होगा संडे कर लेंगे। 2 अगस्त में देख लेते हैं। 2 अगस्त का मतलब क्या है, परसों। मतलब 2 अगस्त हो गया, मतलब तुम्हारा संडे, संडे 2 दिन बाद। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, संडे को देख लेते हैं, है ना। 2 घंटे बैठेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो संडे तुम लोग को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने का भी टाइम मिल जाएगा ना। हाँ तो थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट कर लो, तो वही करते हैं हम, संडे का प्लान रखते हैं। सर रेस्ट का, इसका थोड़ा सा रेस्ट का। हाँ मैं बता दूंगा, मैं बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है ना। मैं संडे को जो है ना जो भी टॉपिक इधर उधर वाले हैं सबको मैं समेट के करवा दूंगा। देखो अब इसमें क्या है, इसमें जो है तुमने ये देख लिया डेटाबेस में डेटा कैसे जाएगा, डायनामिक सारा चीज यहाँ पे कैसे हो रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा लॉग इन लॉग आउट और ये सेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट लाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। फिर आपको एक प्रोजेक्ट वगैरह दे दूंगा और बता दूंगा उसमें जो भी करना होगा। तो बाकी जो भी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर लेंगे,
तो हम लोग संडे ठीक का है शेड्यूल रखते हैं, जैसा होगा मैं टाइम कंफर्म कर दूंगा आपको, ठीक है? सर, एक चीज हाँ मैं कह रहा था, हाँ ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये अजाइल का जिस पे काम कर रहे हैं हाँ सर, अगर आप इसको जिप करके एक बार भेज देंगे तो वो रेफरेंस बिल्कुल के लिए बहुत बिल्कुल, मैं दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा, ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, लेकिन मैं अभी जानबूझ के नहीं दूंगा कि तुम लोग इनको झेलो, ओके सर, ओके गॉट इट। मतलब झेलना जरूरी है, क्योंकि जब तक हाँ झेलेंगे नहीं ना तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है सर, ठीक है? तो पहले इसको झेलो फिर देखेंगे, ठीक है सर, ओके ठीक है? तो मैं अभी वीडियोज आप लोगों को भेजता हूँ, ठीक है सर, तो मैं वीडियोज भेज देता हूँ, तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलो जैसा होता है मैं बताता हूँ, और ठीक है सर, थैंक परसों लोग यू मिलते हैं। सर, ओके चलो, थैंक यू, ओके सर।